Hello everyone, welcome to my channel again. I am Anuradha Kashyap, your biology mentor. And बच्चों आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. एंड अभी हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा है. एंड द सेकेंड थिंग, आपको पता है कि मैं अभी कॉकरोच जो है वो कंप्लीट करवा रही हूँ. तो कॉकरोच का लास्ट जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको मॉर्फो के बारे में बताया था कि कैसे हम कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में डील करते हैं, राइट? तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर को देखेंगे वो पहले प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर देख के आना, क्योंकि उसमें मैंने मॉर्फोलॉजी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है. हमने पढ़ा था कि कॉकरोच कहाँ मिलते हैं, कॉकरोच का क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, इनका आउटर अपीयरेंस क्या होता है, इनके बॉडी में कितने सेगमेंट्स होते हैं, कौन कौन से सेगमेंट कैसे डिवाइड होते हैं. हमने हेड के बारे में डिटेल में पढ़ा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है हेड के अंदर हैं. फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर एब्डोमन के अंदर हैं, कौन से स्ट्रक्चर थॉरेक्स के अंदर है. थॉरेक्स में हमने लेग को पढ़ा, हमने थॉरेक्स में विंग्स के बारे में पढ़ा. विंग्स से रिलेटेड हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जो नीट में आ सकते हैं, ठीक है. उसके अलावा हमने एनसीईआरटी की रीडिंग भी ली थी. क्लियर? तो देखो, थोड़ा सा फास्ट हो सकता है. अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगता है तो आप थोड़ा कम स्पीड पे देख सकते हो, बट मुझे थोड़ा इस रिस्पेक्ट में फास्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में आपका सब कुछ बहुत इफेक्टिव वे में कंप्लीट हो जाए. एंड वन शॉट मैं नहीं बना पाई इसका, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता, मैं नहीं करना चाह रही थी इतना लंबा. तो आप इसको दो पार्ट में देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. बट एक सेटिस्फेक्शन लेवल के साथ देखिए, ऐसे देखिए कि आपको दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना रहे. आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए. उसके बाद मैंने इसको जितना इजी वे में हो सकता था उतना इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है. आप थोड़ा सा इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए और उस तरीके से आप इस कॉकरोच को पढ़िए. क्योंकि देखिए होता क्या है, बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं इसके पास, लाइक नंबरिंग आपको याद रखनी होती है ना, तो आपको बहुत सारी और भी चीज़ें याद रखनी होती हैं कि कहाँ पर क्या है. लेकिन हम बात करेंगे, आज हम एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, जो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. एनाटॉमी में हम करीबन वही 6 से 7 सिस्टम पढ़ते हैं. आप सबको पता है वो सिस्टम बहुत ईजी है. ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऑलरेडी वो सारे चैप्टर हैं, तो आप थोड़ा सा ना लिंक कर सकते हो उस चीज़ के साथ. तो जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, हमने रेस्पायरेटरी पढ़ना है, एक्सक्रीटरी पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़नी है. हमने डेवलपमेंट कैसे होगा कॉकरोच का, ये सब पढ़ना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम ये सब बता दिया था कि कॉकरोच का क्लासिफिकेशन क्या है. हमने एनसीईआरटी की रीडिंग भी ली थी. तो प्लीज़ स्टूडेंट, जब मेरा लेक्चर ले रहे हो तो अपनी अपनी एनसीईआरटी अपने हाथ में लेकर के बैठिए, और जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट होती है आप वहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हो. आपके पास मे भी हो सकता है इतना टाइम ना हो कि आप अब नोट्स बनाओ, तो आप सिंपली वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपनी पीडीएफ बना सकते हो यहाँ से. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों को, तो आप उस तरीके से कर सकते हो, राइट? मैंने आपको कॉकरोच की मॉर्फो के बारे में सब बता दिया था. मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था. एंड देन मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आपको ये इमेजेस बहुत अच्छे से याद करके जानी है, क्योंकि माउथ पार्ट के जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हो इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है, कि कौन सा कहाँ पर है. लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए. उसके अलावा आपको आईज़ के बारे में बताया था. आपको मैंने हेड में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, एंटीने वगैरह, आईज़ वगैरह. देन हमने थॉरेक्स की बात की थी. थॉरेक्स को मैंने इमेजेस के साथ समझाया था कि लेग्स वगैरह इनकी कैसे रहती हैं. देन हमने एब्डोमेन की बात की थी. एब्डोमेन में मैंने स्पेशल कैरेक्टर बताया था कि जो मेल होते हैं उनके पास एक एडिशनल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एनल स्टाइल. लेकिन जब फीमेल और मेल दोनों की बात करते हैं तो दोनों के पास एक और स्ट्रक्चर होती है जो कि सेगमेंटेड होती है, और उसको हम बोलते हैं एनल सरसाई. क्लियर? तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए. उसके बाद हमने बात की थी जेनाइटल पाउच की, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट था. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, आपको याद रखना है कि कौन कौन से सेगमेंट इन्वॉल्व होते हैं जेनाइटल पाउच के फॉर्मेशन में. मेल में कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मेल में कौन से इन्वॉल्व होते हैं, फीमेल में कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ये याद होना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग, आपको ये पता होनी चाहिए कि इनमें ओपनिंग किस किस चीज़ की हो रही है. मेल के अंदर, मेल के जेनाइटल पाउचेस के अंदर जो मेल के फैलोमियर्स हैं उनकी ओपनिंग होती है, और फीमेल के अंदर हमने पढ़ा था कि 3 डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं.
एक होती है स्पर्मैथिके की, जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एक होती है कोलिट्रल ग्लैंड्स की जो उथिका का फॉर्मेशन करेगी, और एक होती है हमारे पास फीमेल के गोनोफोर की, जो फीमेल के गैमेट्स जो होंगे, जो एग होंगे, उनको सिक्रेट करेगी। ठीक है, तो ये तीन ओपनिंग मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, और ये तीनों ओपनिंग कहाँ होती है, एंटीरियर पार्ट में होती है, क्योंकि जेनाइटल पाउच के भी दो पार्ट हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है उसी के अंदर तीनों की ओपनिंग होती है। तो ये जो था मॉर्फोलॉजी, मैंने आपको मेल फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस भी बताया था। आज जो हमारा शुरू हो रहा है चैप्टर, वो एनाटॉमी से शुरू हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम शुरू करेंगे अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी 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 इजी, अपने आप से रिलेट करके देखना। कॉकरोच में कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर होंगी जिनके बारे में मैं बात करूँगी। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में डायग्राम ये दिया गया है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। सबसे पहले हमने जो बात करनी है वो हमारी एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच में किसकी रहने वाली है, डाइजेस्टिव सिस्टम की रहने वाली है। ठीक है, तो चलो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पहले आपको बताती हूँ। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे ना, तो एनसीईआरटी का डायग्राम ये वाला है। ये क्या दिखा रहा है, दिस इज़ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपकी माउथ से लेकर के एनल तक की ओपनिंग जो होगी उसको आप एलिमेंट्री कैनाल बोलते हो, पूरी एलिमेंट्री कैनाल। इसकी एलिमेंट्री कैनाल हमारी एलिमेंट्री कैनाल की तरह तीन पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज योर फोरगट, आई होप आपको कलर विजिबल होंगे, नहीं हो रही हैं तो आप सिर्फ फोकस कीजिए जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, फोरगट है फर्स्ट। फोरगट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए फोरगट जो है वो आपकी माउथ से लेकर के एक पोर्शन आता है जिसको हम बोलते हैं गिजार्ड, यहाँ तक क्या रहती है, दिस इज़ योर फोरगट, माउथ टू गिजार्ड। ठीक है, उसके बाद मिडगट आती है, बीच वाली गट। मिडगट कहाँ से कहाँ तक होती है, मिडगट होती है आपके पास, ये गिजार्ड वाला पोर्शन ख़त्म हुआ, फिर गिजार्ड के बाद यहाँ से लेकर के और जो ये लास्ट में आप देख रहे हो ना ईलियम वाला पोर्शन जो आ रहा है यहाँ तक, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिनको हम हिपैटिक सीके बोल रहे हैं, इसके बाद से लेकर के और ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं इनको हम बोलते हैं मालपीजियन टिब्यूल, यहाँ तक इसके बीच में जो भी पोर्शन होगा दैट इज मिड गट। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिजेंट्रोन। क्लियर, उसके बाद इलियम, कॉलम, रेक्टम, ये सारी चीज़ें और एनस, इन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिलाकर के बोलते हैं हाइंड गट। तो बेसिकली तीन पार्ट हैं आपके पास, अगर मान लो ये आपकी गट है, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। तो फोरगट जो है वो यहाँ से लेकर के माउथ से लेकर के कहाँ तक, ये पोर्शन तक, ये पोर्शन किसका है, दिस इज गिजार्ड, इसको हम बोलते हैं गिजार्ड। तो गिजार्ड तक, गिजार्ड तक क्या होगा, माउथ टू गिजार्ड, माउथ टू गिजार्ड, ये है फोरगट। क्लियर, उसके बाद एक स्ट्रक्चर आएगी जिसको हम बोलते हैं मैलपीजियन टिब्यूल, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आएगी जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक सीके। तो दिस इज हिपैटिक सीके, मैंने ऐसे रैंडम बना दिया आपको समझाने के लिए, एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर मैलपीजियन टिब्यूल। तो ये हिपैटिक सीके हो गया, हिपैटिक सीके, बताते हैं इनके बारे में भी क्या काम है, क्या कहाँ पर क्या है। ठीक है, हिपैटिक सीके, और दूसरा क्या है, दिस इज योर व्हाट, दिस इज मैलपीजियन टिब्यूल, मैलफीजियन टिब्यूल। तो इसके बीच में जो आएगी वो क्या होगी, दैट विल बी योर मिडगट, और मैलफीजियन टिब्यूल के बाद आती है इलियम, देन कॉलन, देन रेक्टम, और देन आता है आपका एनस। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर हाइंडगट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगी, हाइंडगट होगी। तो ये जो है दिस इज योर फोरगट, फोरगट ये क्या है, बीच वाली, दिस इज योर मिडगट जिसको हम मिजेंट्रोन भी बोलते हैं, और ये क्या हो गई, दिस इज योर हाइंडगट। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी दिए हुए हैं कि फोरगट को अगर देखोगे तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये जर्म लेयर एक्टोडर्मल से ओरिजिनेट हुई है, एक्टोडर्मल, और जो मिडगट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, एंडोडर्मल से, एंडोडर्मल, और जो हाइंडगट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, अगेन एक्टोडर्मल। बिल्कुल हमारी तरह, हमारी फोरगट भी एक्टोडर्मल से ओरिजिनेट है, हमारी हाइंडगट भी एक्टोडर्मल से ओरिजिनेट है, लेकिन जो हमारी मिडगट है वो हमारी एंडोडर्मल से ओरिजिनेट है। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके पास, वो क्या है, देखो जो हमारी एक्टोडर्मल, जो हमारी फोरगट होगी वो
कैसे होगी, वो अंदर की तरफ से क्यूटिकल से लाइन होती है, इंटरनली लाइंड होती है क्यूटिकल से, ठीक है। और जो हमारी हाइंडगट होगी, जो एक्टोडर्मल इनओरिजन है, वो भी अंदर से किससे लाइन होगी, दैट इज ऑल्सो लाइंड बाय क्यूटिकल। ये भी किससे लाइंड है, क्यूटी कल से लाइंड है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो मीजोडर्म में ऐसी कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रही है, तो मीजोडर्म में नो क्यूटिकल, देर इज ए नो क्यूटिकल। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। ये तो मैंने बताया फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमने क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ योर कॉकरोच। देखो यहाँ पे क्या है, ये इसका हेड है जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द हेड ऑफ कॉकरोच, ये रहा। ये क्या है, दिस इज द हेड ऑफ कॉकरोच, एंड ये इसकी कंपाउंड आइज आपको दिखाई दे रही है, दीज आर द कंपाउंड आइज। ये जो छोटा सा देख रहे हो, ये है ब्रेन, इसको हम बोलते हैं सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लियॉन। अभी डरो मत, अभी मैं बताऊंगी जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी कि सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन को ही आप ब्रेन बोलते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या मिलेंगी, यहाँ पर आपको ये जो दिख रही है, ये स्ट्रक्चर जो है, दिस इज नोन एज सलाइवरी ग्लैंड। जैसे ही हेड खत्म हुआ, उसके बाद क्या आ गया, आपका माउथ आ गया। ये पोर्शन जो है यहाँ पर, आइज के बारे में मैंने बताया था दैट इट इज मेड अप ऑफ 2000 ओमेटिडियम, एंड ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ग्रीन में मैंने मेंशन की है, इसको हम बोलते हैं फैरिंक्स। फैरिंक्स बेसिकली क्या है, इट इज अ शॉर्ट ट्यूबुलर या शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर क्या ओपन होता है, माउथ ओपन होता है, माउथ ओपन हेयर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे साइड में आपको ये पाउचेस से दिखाई दे रहे हैं, इन पाउचेस को हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, दीज पाउचेस आर नोन एज सलाइवरी ग्लैंड। देखिए मेंशन भी है, इन सलाइवरी ग्लैंड में जैसे हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड ओपन होती हैं, ऐसे ही कॉकरोच के फैरिंक्स के अंदर भी सलाइवरी ग्लैंड ओपन होती हैं, और उनका काम क्या होता है, उनका काम भी होता है एंजाइम को सिक्रीट करना। तो मैम कौन से एंजाइम वो सिक्रीट करती हैं, वो बेसिकली हमारे माउथ में जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं, वैसे ही कॉकरोच के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम सिक्रीट होंगे, उनको कौन सिक्रीट करेगा, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। और उन डाइजेस्टिव एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम आते हैं, जाइमेज आता है और एमाइलेज आता है, ये वो एंजाइम होते हैं जो जो फूड में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो एक्स्ट्रा अमाउंट में आपके पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट में मान लो ग्लैंड ने जूस सिक्रेट कर दिए है ना, तो उनको क्या करना है, स्टोर करके रखना है। उनको स्टोर करने के लिए फिर क्या होती हैं, साइड में ही लगी हुई होती हैं जो रेड से मैंने बनाई हैं, इनको आप बोलते हो सलाइवरी रेजर्वियर, सलाइवरी रेजर्वियर, ठीक। अब उसके बाद आपके पास नीचे ओपन होती है एक बड़ी सी स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर जो ट्यूब लाइक आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये क्या है, ट्यूबुलर नैरो पैसेज, जैसे माउथ से लेकर के हमारी भी इसोफेगस जाती है, ये सामने तो नहीं जाती है, इसके पीछे की तरफ जाती है, तो इसी तरह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल के जाएगी कॉकरोच के पास से भी, जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है। अब ईसोफेगस डायरेक्टली हमारे पास किस में ओपन होती है, ईसोफेगस की जब हम बात करते हैं तो हम स्टमक में चले जाते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा नहीं होता। इंसेक्ट में दो एडिशनल चैम्बर होते हैं, जैसे बर्ड्स के अंदर होते हैं वैसे इंसेक्ट के अंदर भी होते हैं। इंसेक्ट में दो एडिशनल चैम्बर होते हैं, एक होता है क्रोप और एक होता है गिजर्ड। तो फोरगट में ही आएंगे क्रॉप एंड गिजर्ड। तो जो क्रॉप है वो क्या होगा, जैसे खाना आपकी ईसोफेगस से नीचे की तरफ जा रहा था, तो वो क्रॉप क्या करेगा, उस खाने को स्टोर करने का काम करेगा। तो क्रॉप का मतलब क्या होता है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब क्रॉप के बाद आता है, ध्यान रखना, क्रॉप के बाद आता है क्या, गिजर्ड। गिजर्ड को हम और क्या बोलते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। तो क्रॉप के बाद है, क्रॉप ने क्या किया, खाने को फूड को स्टोर करके रखा। उसके बाद अब खाने को तोड़ना है, क्यों तोड़ना है, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करना है। तो जब खाने को तोड़ोगे तो फिर उसको कहाँ लेकर के जाओगे, नेक्स्ट चैम्बर में लेकर के जाओगे, और वो चैम्बर कौन सा होगा, वो चैम्बर ये वाला है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला चैम्बर, इसको हम बोलते हैं गिजर्ड। और इसी गिजर्ड का दूसरा नाम क्या है, प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस का काम क्या होता है, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, फूड को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इस गिजर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इस तरीके से 6 काइटेनियस स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये रही, एक टीथ हो गया, सेकेंड टीथ हो गया, थर्ड टीथ हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से 6 काइटिन के बने हुए टीथ होते हैं, और उसके चारों तरफ एक थिक क्या होती है, मसल की लेयर होती है। तो गिजर्ड में बेसिकली ग्राइंडिंग होती है, फूड जो होगा वो टूटेगा, ठीक।
उसके बाद ये गिजर्ड अब ओपन होता है हमारी मिडगट में, लेकिन एट द जंक्शन ऑफ गिजर्ड, और वी कैन से एट द जंक्शन ऑफ फोरगट, क्योंकि फोरगट खत्म हो चुकी है गिजर्ड पे, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट या एट द जंक्शन ऑफ एंड ऑफ फोरगट, फोरगट एंड स्टार्टिंग ऑफ मिडगट, देर आर स्मॉल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, और जिनको हम बोलते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल, उनका नाम होता है हिपैटिक सीके। तो अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, मैंने लिखा था ना हिपैटिक सीके, तो बेसिकली हिपैटिक सीके क्या थे, हिपैटिक सीके अगर ध्यान से देखोगे तो ये गिजर्ड है, गिजर्ड यहाँ पे ख़त्म हो गया, गिजर्ड जैसे ही फोरगट का ख़त्म हुआ वैसे ही यहाँ से छोटी छोटी 6 से 8 क्या निकलेंगी, स्ट्रक्चर निकलेंगी। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हिपैटिक सीके। और ये स्ट्रक्चर होती कैसी हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसी स्ट्रक्चर जो एक साइड से तो बंद हो, दिख रही है ना बंद है, और एक साइड से ओपन हो, ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल, ब्लाइंड ट्यूब्यूल। इसीलिए एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि हिपैटिक सीके या ब्लाइंड ट्यूब्यूल ओपन होते हैं, कितने होते हैं नंबर में, 6 to 8 होते हैं, दीज आर 6 to 8। तो दिमाग में आएगा इनका काम क्या है, बेसिकली देखो अब खाना टूट गया ना, खाना तो टूट गया तुम्हारा, किसने तोड़ा, गिजर्ड ने तोड़ दिया, अब वो खाना आगे जा रहा है, आगे कहाँ जा रहा है, मिजेंट्रॉन में जा रहा है, या फिर मैं बोल सकती हूँ मिडगट में जा रहा है, जो बीच की गट है आपकी उसमें जा रहा है। तो उसके अंदर जब वो जाएगा तो उसको मिक्सअप होना है, मिक्सअप होना है और भी छोटे टुकड़ों में टूटना है, तो वहाँ पे आपको चाहिए होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, और डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ होते हैं, डाइजेस्टिव जूस के अंदर, और डाइजेस्टिव जूस कौन सिक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव जूस विल बी सिक्रेटेड बाय हिपैटिक सीके। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हिपैटिक सीके की अगर हम बात करें तो बेसिकली मैंने लिखा है हिपैटिक, ये देखो दीज आर द हिपैटिक सीके, ये वाली स्ट्रक्चर, ओके लेट मी चेंज द कलर, ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये वाली जो मैंने स्काई ब्लू में रिप्रेजेंट की है, ये स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली दिस इज हिपैटिक सीके, इनको हम और क्या बोलते हैं, ब्लाइंड ट्यूब्यूल, कितनी होती हैं, 6 से 8 होती हैं नंबर में, इनका काम क्या होता है, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले माउथ था, फेरिंक्स में ओपन हुआ, फेरिंक्स के बाद वो ईसोफेगस में ओपन हुआ, जब वो ईसोफेगस में ओपन हुआ तो साइड से सलाइवरी ग्लैंड ने अपना सिक्रेशन भी उसके अंदर छोड़ दिया, वो सिक्रेशन कौन सा था, वो सिक्रेशन था बेसिकली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। उसके बाद अब आपके पास अगर ज़्यादा अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो जाए तो वो स्टोर कहाँ पर हो जाते हैं, सलाइवरी रिजर्वियर के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जो साइड में ही होती हैं, पेयर्ड होती हैं। फिर जो हमारा खाना था वो ईसोफेगस से कहाँ चला गया, नेक्स्ट पोर्शन में चला गया, जिसको हम बोलते हैं क्रॉप, क्रॉप एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पे खाना स्टोर रहता है, फिर उस खाने को आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, जो और वो आगे कहाँ आता है, वो आगे आता है गिजर्ड के अंदर, गिजर्ड को आप और क्या बोलते हो, प्रोवेंट्रिकुलस हम इसको बोलते हैं, और गिजर्ड के अंदर आपको 6 काइटेनियस प्लेट लाइक, या फिर हम बोल सकते हैं 6 काइटेनियस टीथ लाइक स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, जो बेसिकली क्या करेंगी, वो इस खाने को तोड़ देंगी, ठीक है। अब खाना टूटने के बाद कहाँ जाएगा, खाना टूटने के बाद जाएगा मिडगट के अंदर, लेकिन मिडगट के अंदर कुछ तो होना चाहिए ना कि उसको फ़ायदा मिले, वो खाना जो टूट के आया है वो एब्जॉर्ब किया जा सके, वो और ज़्यादा डाइजेस्ट किया जा सके। तो एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, इंपॉर्टेंट अगेन, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड द मिडगट देयर आर स्मॉल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज हिपैटिक सीके। नंबर कितना होता है, 6 से 8 होता है। कैसी स्ट्रक्चर होती हैं, ब्लाइंड ट्यूब्यूल होती हैं, बंद होती है एक साइड से और एक साइड से होती है ओपन, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल। ये क्या काम करेंगी, ये अपना सारा सिक्रीशन जो है वो डाइजेस्टिव जूस जो है वो मिडगट में छोड़ देंगी, और मिडगट में जैसे ही डाइजेस्टिव जूस आएगा उसके एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, और जो खाना गिजर्ड से ऊपर नीचे की तरफ आ रहा था मिजेंट्रॉन में, मिडगट में आ रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। अब मिडगट के बाद आगे जो है एंट्री करेंगे हम हाइंडगट में, लेकिन जब हम हाइंडगट पे एंट्री कर रहे हैं तो आपको फिर से एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये भी बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर हैं, ये दिख रही हैं इस तरीके की, जो मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्काई ब्लू में, ये स्ट्रक्चर देखोगे तो इनको आप बोलते हो मैल्फीजियन ट्यूब्यूल, और ये कैसी कलर में होती है, येलोइश इन कलर, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा ये सारा पूछा हुआ है बहुत बार, सब कुछ पूछा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल कितनी होती है नंबर में, पहली बार 100 से 150,
ठीक, हिपैटिक सीके कितनी थी? 6 से 8। ये कितनी है? 100 से 50। हिपैटिक सीके का काम क्या था या स्पेशल कैरेक्टर क्या था कि वो एक साइड से बंद होती हैं एक साइड से ओपन होती हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल। मैल्फीजियन ट्यूबुल का इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये येलो होती हैं कलर में। हिपैटिक सीके का काम क्या था कि वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट कर रहा था ताकि खाने को पचाया जा सके। इनका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि दे आर एक्सक्रीटरी इन नेचर, यानी कि ये आपकी हेल्प करती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो जब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी तो मैं मैल्फीजियन ट्यूबुल की बात करूंगी, याद रखना, ठीक है? ये कैसी होती हैं? दे आर एक्सक्रीटरी इन नेचर। उसके बाद फाइनली आपके पास आ जाती है इलियम, ये मैल्फीजियन ट्यूब्यूल लिखा हुआ है, इलियम आ जाती है, देन कॉलन आ जाती है हमारी तरह कॉलन, और फिर फाइनली आता है रेक्टम। रेक्टम के पास क्या होते हैं? 6 रेक्टल पैपिले होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो मैल्फीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू बाहर चला जाता है। और फाइनली जो एनल ओपनिंग है वो कहाँ होती है? वो होती है 10th टर्गम में। मैंने कहा था ना कल आपको जेनिटल पाउच में कि जो एनल होता है वो डोर्सल साइड पे होता है, मेल के अंदर एनल जो होता है वो डोर्सल साइड पे होता है। तो 10th टर्गम में क्या होगा? बेसिकली मेल हो फीमेल हो, हमेशा डोर्सल साइड पर ही एनस रहता है 10th टर्गम पे, याद रखना एनल की ओपनिंग होगी। तो ये तो था तुम्हारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक बार इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं, ठीक है? ये सब मैंने करा दिया। देखो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं इसको। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, 3 रीजन में डिवाइड है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, ग्रेट। माउथ की बात करें तो माउथ किसके अंदर ओपन होता है? माउथ ओपन होता है फैरिंक्स के अंदर। तो ये बात याद रखना कि जो माउथ है वो ओपन हुआ फैरिंक्स के अंदर, ये सीरीज याद रख सकते हो, माउथ ओपन हुआ फैरिंक्स के अंदर। उसके बाद लीडिंग टू अ नैरो, बहुत पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, ट्यूब लाइक पासेज होगा, ट्यूब लाइक एक एरिया होगा जहाँ से चीज़ें पास कर सकती हैं, उसको आप बोलते हो ईसोफेगस। तो ये किस में खुला? ये खुला ईसोफेगस में, ठीक है? ईसोफेगस के बाद क्या हुआ? दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप क्या है? एक बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो किस काम के लिए यूज़ की जाती है? टू स्टोर द फूड। तो ईसोफेगस किस में ओपन हुई? ईसोफेगस ओपन हुई क्रॉप में, ठीक। क्रॉप के बाद कहाँ जाओगे आप? द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजर्ड और प्रोवेंट्रिक्यूलस। क्रॉप के बाद आता है गिजर्ड या फिर प्रोवेंट्रिक्यूलस, गिजर्ड या फिर प्रोवेंट्रिक्यूलस, मैंने नीचे नाम लिख रखा है, ठीक। प्रोवेंट्रिकुलस में बता रखा है क्या होता है, इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिकर सर्कुलर मसल। मैंने बताया था आपको कि इसके पास क्या होती हैं? थिक सर्कुलर मसल्स होती हैं, ये रही, ये देखो थिक मसल्स होती हैं, आउटर होती हैं, थिक मसल हैं, और कैसी हैं? सर्कुलर हैं, और कैसी हैं? आउटर हैं, ठीक। ये गिजर्ड की स्ट्रक्चर है, थिक सर्कुलर मसल होती हैं, आउटर होती हैं, एंड मसल एंड थिक इनर क्यूटिकल। अंदर क्या है? अंदर की लेयर क्यूटिकल है जो क्या बनाएगी? फॉर्मिंग 6 हाइली काइटेनियस प्लेट कॉल्ड टीथ। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं 6 काइटेनियस प्लेट को ही हम टीथ बोलते हैं। और ये बनती किससे है? ये बनती है इनर क्यूटिकल लेयर से, इनर क्यूटिकल लेयर, ठीक है? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम गिजर्ड के बाद निकलेंगे आगे। गिजर्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को अब उसने ग्राइंड कर दिया। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाई क्यूटिकल। बता दिया था मैंने कि पूरी की पूरी एंटायर फोरगट क्या है? क्यूटिकल से लाइन है अंदर की तरफ। ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीके। अच्छा हाँ, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हिपैटिक सीके का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ना याद रखना पड़ेगा कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ओके, हिपैटिक सीके को अंडरलाइन करके कहीं पे लिखना आप अपनी एनसीईआरटी में कि हिपैटिक सीके का ही दूसरा नाम होता है गैस्ट्रिक सीके। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या है? इनका काम है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करना। जो स्टमक जूस सिक्रेट कर रहा था वही जूस गैस्ट्रिक किसके लिए यूज़ करते हो? स्टमक के लिए यूज़ करते हो ना। तो गैस्ट्रिक जूस हो चाहे सॉरी गैस्ट्रिक जूस को कौन सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय हिपैटिक सीके, या फिर हम उसको बोल सकते हैं गैस्ट्रिक सीके, ठीक है? गैस्ट्रिक सीके, ग्रेट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं।
प्रेजेंट कहाँ होती है, ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि दे आर प्रेजेंट ऑन, ओके कहाँ पे गए, हाँ, हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट. इंपॉर्टेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस. इसका काम है डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करना. एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर थिन फ्लामेंटस मेल्फिजियन ट्यूब्यूल. ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल का काम क्या होता है. मेल्फिजियन ट्यूब्यूल का काम होता है आपके पास एक्सक्रीशन में, और ये रहे 100 to 150. प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं अगर कोई पूछ ले, तो प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट एट द जंक्शन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ना पूछा हुआ है. प्रेजेंट एट द हिपैटिक सीके कहाँ है, फोरगट और मिडगट पे. दूसरा कहाँ पे होगा, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट. ठीक है, समझ में आ गया होगा. अब देखो नेक्स्ट, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ. हीमोलिम्फ का क्या मतलब है, देखो हम एक कॉकरोच है ना, जो कॉकरोच अंदर से पूरा खाली मान के चलो अभी मैं बोल रही हूँ खाली मान के चलो, तो अंदर क्या है, अंदर कैविटी बनी हुई है और बीच से मान लो एक एलिमेंट्री कैनाल निकली हुई है. सपोज दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल जिसका माउथ ये है और जिसकी एनल ओपनिंग ये वाली है. ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, ऊपर की स्ट्रक्चर है किसकी, कॉकरोच की, और ये स्ट्रक्चर क्या है, कॉकरोच की नीचे की है. तो अंदर से पूरी बॉडी कैविटी खाली है, उसके अंदर भरा हुआ है फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम बोल रहे हैं हीमोलिम्फ. अब उस फ्लूइड में जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, वो सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट इसके जंक्शन पे जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल लगी हुई है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर इसको बाहर निकाल देंगे. ठीक है, तो दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ. द हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट. मैंने यहाँ पे सेम बना दी, मैंने यहाँ पे एक्चुअली सेम बना दिया, बट इन रियलिटी होता कैसे है कि अगर इस तरीके से, गिव मी वन सेकेंड, होता ऐसे है कि सपोज अगर ये फोरगट है तो ये क्या होगी, जो नैरो सी बनाई थोड़ी मैंने, ये होगी तुम्हारी मिडगट कॉकरोच की, और ये फिर से क्या होगी, अगेन ये होगी हाइंडगट. इसका मतलब अगर तुम हाइंडगट को देखोगे तो द हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम कॉलम एंड रेक्टम. ये तीन पार्ट में फिर से क्या होगी, डिवाइड होगी. एक होगा इलियम, एक होगा कॉलन और एक होगा रेक्टम. ठीक है, रेक्टम फाइनली कहाँ ओपन हो जाता है, फाइनली रेक्टम ओपन हो जाता है एनस में. दिस इज द एनल ओपनिंग. ठीक है, तो ये था तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम. सब समझ में आ गया होगा, ये स्ट्रक्चर भी तुम्हें समझ में आ गई होगी. अब हम नेक्स्ट सिस्टम की तरफ चलते हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, ब्लड से रिलेटेड. ब्लड आ गया तो मतलब बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की. तो अच्छा चलो चलते हैं. पहले ना ये देख लो, ये क्या है, ये तुम्हारा प्यारा सा कॉकरोच है और इस कॉकरोच को ना काट दिया गया. काट के उसकी स्किन को साइड करके उसके अंदर का रीजन दिखा रखा है. जब आप साइड में कॉकरोच को कट करने के बाद, उसका डाइसेक्शन करने के बाद, जब आप उसकी लेयर्स को हटाते हो तो बहुत केयरफुली उनको हटाना पड़ता है, और आप उनको पिन से क्या कर देते हो, स्टक कर देते हो ताकि वो अपनी पोजिशन से हिले नहीं. ठीक है, तब आपने जब उसका विजरल ऑर्गन देखे, जब आपने उसकी इंटरनल ऑर्गन देखे, इंटरनल का मतलब विजरल, जो बॉडी के अंदर होते हैं, जो दिखाई नहीं देते आंखों से डायरेक्ट, उनको हम बोलते हैं विजरल ऑर्गन या फिर इंटरनल ऑर्गन. तो ये वाली जो आप देख रहे हो ना, हल्की सी ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रही होगी, आई थिंक ये सबको दिख रही होगी. तो जो ये पिन लगाने के बाद इसकी स्ट्रक्चर को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया है, और उसके बाद स्टिच कर दिया है बेसिकली एक तरीके से, और उसके बाद हम इंटरनली ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं. तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ योर एलिमेंट्री कैनाल. मैं इसको दोबारा से क्या कर देती हूँ, एक बार ना इंडिकेट कर देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए. ये देख रहे हो ब्लैक वाली, ये वाली, दिस इज व्हाट, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल. क्लियर, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे. अगेन बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा, प्यारा सा, जितना समझा रही हूँ बस उतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं करना. तो जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हो ना, तो आप दो चीज़ों की बात करते हो. आप दो चीज़ों में किसकी बात करते हो, एक तो बात करते हो ब्लड की और एक बात करते हो हार्ट के. ठीक, आप जब ब्लड की बात करते हो तो ब्लड को देखते हो कि वो फ्लो कैसे कर रहा है. क्या ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है जिसमें एक आर्टरी आई,
फिर यहाँ से एक वेन आई और इनके बीच में छोटे छोटे किसके कनेक्शन आए, छोटे छोटे कैपिलरी के कनेक्शन आए। कैपिलरी तो बहुत पतली होती है ना, तो छोटे छोटे कैपिलरी के कनेक्शन आए इस तरीके से। अब क्या हुआ, ब्लड वेन से कहाँ पे गया, मान लेते हैं किसी टिश्यू से वेन जो है वो गंदा ब्लड लेकर के आई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई, फिर उसने ब्लड कैपिलरी को दिया, फिर इस ब्लड को प्योरीफाई होने के लिए आर्टरी में भेज दिया गया, ठीक है। या मान लेते हैं यहाँ पे लंग्स थे, फिर इसने ब्लड को लंग्स में भेज दिया, लंग्स से ब्लड प्योरीफाई होने के बाद आर्टरी में गया, ये आर्टरी थी और ये वेन थी। तो इस तरीके से ब्लड क्या है, एक सिस्टम में चल रहा है। उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन ने किसको दिया, लंग्स को, वेन ने पहले दिया कैपिलरी को, कैपिलरी ने उसको दिया लंग्स को, लंग्स ने उसको फिर से किसको दिया, कैपिलरी को, और कैपिलरी ने उसको फिर किसको दिया, आर्टरी को। तो अब आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन ये सारा ब्लड जो है ना, ये सारा ब्लड एक सिस्टम में चल रहा है, मतलब यहाँ पे सीरीज में चल रहा है, कनेक्शन चल रहे हैं। आर्टरी में गया, आर्टरी से कैपिलरी में गया, कैपिलरी से मान लेते हैं टिश्यू में गया, क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, फिर वो टिश्यू में गया, टिश्यू ने फिर अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी को दिया, फिर वो कहाँ पे गया, वेन में गया। वेन में क्या है, वेन में तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन कम है, और आर्टरी में तुम्हारे पास क्या है, आर्टरी में तुम्हारे पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये पूरा कनेक्शन है, सीरीज है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपने सब चीज़ों को क्लोज कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बट ऐसा आपके कॉकरोच में नहीं होता। कॉकरोच में क्या नहीं होता, कॉकरोच में ऐसा नहीं होता। कॉकरोच में होता क्या है, कॉकरोच में ये होता है, सुनो, कॉकरोच में कुछ ऐसे होता है कि सपोज ये कॉकरोच की इंटरनल बॉडी थी, है ना, तो कॉकरोच ने क्या किया, कॉकरोच ने ब्लड जो है, ये इंटरनल बॉडी है, तो इसकी एक ऊपर की साइड है जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड, ये है क्या इसकी डॉर्सल साइड, और ये क्या है इसकी वेंट्रल साइड। तो जो डॉर्सल साइड है ना, वहाँ पे इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसका कार्डियक सिस्टम यानी हार्ट से रिलेटेड सिस्टम प्रेजेंट है। अगर ये इसका हेड था और ये इसकी नेक थी, तो मैं सिंपल एक रैंडम बता रही हूँ कि डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है, इसके पास हार्ट प्रेजेंट है या सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। हमारे पास वेंट्रल साइड में हर्ट होता है, हमारा हर्ट यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, हमारे पास एक कार्डियक नोच होती है जहाँ पे हमारा हर्ट होता है, तो हमारा हर्ट वेंट्रल ही है, हम कॉर्डेट हैं, ये नॉन कॉर्डेट है, और अगर ये नॉन कॉर्डेट है तो इनका हर्ट कहाँ होगा, बैक साइड में यानी डॉर्सल पोजिशन पे। तो इनका जो हर्ट है वो इस तरीके से डॉर्सल पोजिशन पे होता है, और इसके आसपास की जो कैविटी है, ये वाली कैविटी, ये वाली कैविटी, ये वाली कैविटी, ये जो दिख रही है एरिया, खाली एरिया जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनसिस। साइनसिस का मतलब होता है ओपन स्पेस। पेरिकार्डियल साइनसिस यानी कार्डियल यानी हर्ट के लिए, कार्डियक हर्ट के अराउंड पेरिफ्री में, साइड में जो स्पेस हैं, जो साइनसिस हैं, उनको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनसिस, ठीक है। इसके अलावा सेंटर से कौन जा रहा होगा, सेंटर से एलिमेंट्री कैनाल जा रही है, सेंटर से तुम्हारे पास ये माउथ था, ये सब कुछ था, नेक वगैरह सब कुछ थी, ये तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल जा रही है, आराम से जा रही है, मज़े से जा रही है, और फाइनली इसकी ओपनिंग हो गई है एनस की, ठीक है। तो ये तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन ऊपर की कैविटी जो बनी उसको बोलोगे पेरिकार्डियल साइनसिस, क्योंकि वहाँ पे कौन प्रेजेंट है, हर्ट प्रेजेंट है। और जो नीचे है, नीचे का जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे जो कॉकरोच है उसका क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे तो एक छोटा सा ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, बाद में बताऊंगी, और इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी वजह से नीचे क्या बनता है, नीचे बनता है ब्रेन, ब्रेन सिस्टम, और ब्रेन के सराउंड में जो कैविटी तुम देख रहे हो इसको हम बोलते हैं पैरी न्यूरल कैविटी या पैरी न्यूरल साइनसिस। ये कौन सी साइड में होगा, वेंट्रल। तो कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में जो हर्ट होता है वो डॉर्सल साइड पे होता है, और कॉकरोच में जो ब्रेन होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है। कॉकरोच में जो हर्ट है वो उसके अराउंड जितना भी ओपन एरिया है उसको बोलोगे पेरिकार्डियल साइनसिस, और जो कॉकरोच का ब्रेन है उसके सराउंड में जितना भी ओपन एरिया है उसको बोलोगे पेरी न्यूरल साइनसिस,
ठीक है, बीच में कौन जा रही है, बीच से तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल जा रही है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब थोड़ा सा मैंने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वाला चक्कर नहीं होता, यहाँ पे आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से टिश्यू, टिश्यू से कैपिलरी, फिर वेन, ऐसे नहीं चलता है। यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पिक करेगा। मान लो टिश्यू है कोई, यहाँ पे मान लेते कोई टिश्यू है, इस टिश्यू से, ये टिश्यू था कोई, इस टिश्यू से इसने, टिश्यू से डायरेक्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये डायरेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये क्या होगा, इस कैविटी में फ्लोट करेगा और यहाँ से वो क्या होगा, प्यूरीफाई होगा, दूसरे ऑर्गन के थ्रू प्यूरीफाई होगा। और प्यूरीफाई होने के बाद ही बेसिकली वो क्या होगा, इस हर्ट के अंदर एंट्री करेगा। अब हर्ट उसको क्या कर देगा, हर्ट उसको पूरी बॉडी में फैला देगा। मतलब यहाँ पे कोई आर्टरी का कैपिलरी से कनेक्शन नहीं है, वेन से कनेक्शन नहीं है, सब कुछ मतलब फ्लोट कर रहा है, जितने भी टिश्यू हैं वो इस ब्लड के अंदर फ्लो कर रहे हैं और ब्लड जो है बेसिकली वो पंप हो रहा है बाय हर्ट। और हर्ट में क्या हो रहा है, बेसिकली हर्ट में कोई आर्टरी वेन का कनेक्शन नहीं है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला हुआ है सब कुछ, है ना। तो मैंने लिखा है कि जो कॉकरोच होता है उसमें सिस्टम कैसा होता है, उसमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, नो कैपिलरी कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनका वो पुअरली डेवलप होता है, बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, जो मैं कैविटी कैविटी तब से बोले जा रही हूँ ना, मैंने कहा एक पेरिकार्डियल साइनेसिस होता है, एक पेरी न्यूरल साइनेसिस होता है, लेकिन जब आप पूरी को कैविटी की तरह ट्रीट कर रहे हो, खोलो एरिया की तरह ट्रीट कर रहे हो, खाली एरिया की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं हीमोसील। हीमोसील क्यों बोला, क्योंकि सील का मतलब होता है कैविटी या ओपन एरिया और हीमो का मतलब होता है ब्लड से भरी हुई। यानी कॉकरोच के अंदर अगर आप डायरेक्ट कॉकरोच को कट करोगे तो जो बाहर निकल के आएगा वो उसका ब्लड होगा, वो उसका ब्लड होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्लड इसकी पूरी बॉडी में फैल रहा है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है और उसी में जगह जगह पे सारे ऑर्गन पड़े हुए हैं, चाहे वो कुछ भी हो वो सारे ऑर्गन इसके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन इसका पूरा ब्लड क्या है, ओपन एरिया में फैला हुआ है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम जब हम कॉकरोच का डाइसेक्शन करते हैं तो भले ही फ्लूइड निकलता है पर आप कह रहे हो कि वो ब्लड है, तो अगर वो ब्लड है तो वो रेड क्यों नहीं होता। एक्चुअली जैसे हमारे कट करने पे कोई ऑर्गन को ब्लड होता है तो रेड कलर दिखाई देता है, वो क्यों होता है, हमारा रेड कलर क्यों होता है, हमारा रेड कलर होता है क्योंकि हमारे पास एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास रेड कलर आता है। जो कॉकरोच है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। अब अगर उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, उसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन नहीं है, उसके आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं है, तो कहाँ से रंग लाल आएगा, नहीं आएगा ना, तो उसका रंग लाल होता ही नहीं है, ब्लड का रंग लाल नहीं होता है। तो ये जो चीज़ थी ये कहाँ से लिंक हो गई, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिंक हो गई, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम बात करें पूरे हर्ट की, तो देखो हर्ट में होता क्या है, बेसिकली ये पूरी कैविटी है, ये कॉकरोच की कैविटी है। अगर मान लो मैं कॉकरोच की इस साइड को डोर्सल मान रही हूँ और इस साइड को मैं वेंट्रल मान रही हूँ, तो ये जो कैविटी दिख रही है इस कैविटी को मैं बोलूँगी पेरिकार्डियल साइनेसिस और इस कैविटी को मैं बोलूँगी पेरी न्यूरल साइनेसिस। बट एक्चुअली इन्होंने इस तरीके से नहीं दिखा रखा है, इन्होंने क्या करा है, सपोज ये मेरे पास क्या था, दिस इज माई कॉकरोच, एक कॉकरोच ले लेते ना, मतलब कैसे मैं आपको समझाऊँ, अच्छा एक चीज़ समझते हैं, जैसे सपोज कर लो दिस इज कॉकरोच, ये पूरा ही कॉकरोच है, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है या बेसिकली जो इसका एब्डोमन पोर्शन है, ये इसकी डॉर्सल साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड है ना। तो मुझे, मैंने क्या कहा कि डॉर्सल साइड पे कौन है, हर्ट है, और वेंट्रल साइड में अंदर की तरफ क्या होगा, आपका ब्रेन होगा, और बीच से क्या जा रही है, एलिमेंट्री कैनाल जा रही है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इस कॉकरोच को कट कर देती हूँ, इस कॉकरोच को मैं कट कर देती हूँ पूरा ऐसे, जैसे सेब को आप बीच से कट करते हो ना, मैंने भी इस कॉकरोच को ऐसे वर्टिकली लेटा करके, सॉरी हॉरिजॉन्टली लेटा करके, और क्या किया, इसको कट कर दिया ऐसे। तो जब मैंने कट किया तो एक ढक्कन ऊपर आ गया, एक ढक्कन नीचे आ गया। ऊपर वाले ढक्कन को इन्होंने दिखा रखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हर्ट सिस्टम के बारे में बात कर रखी है, ठीक है। तो जो ऊपर की कैविटी इन्होंने सामने से टॉप व्यू आपको दिख रहा है, ये क्या है, बेसिकली ये ऊपर से दिखा रखा है। ऊपर से देखोगे
तो हर्ट में ऐसे चैम्बर बने हुए हैं, और ये कितने हैं बेसिकली 13 हर्ट चैम्बर बने हुए हैं, और इनके साइड में आपको डार्क कलर की कुछ मसल्स दिखाई दे रही हैं जिनको हम बोलते हैं एलरी मसल्स। समझ में आया? इस तरीके से कट किया, इस तरीके से जब मैंने इसको कट किया तो कॉकरोच का ऊपर वाली प्लेट को उठा लिया, ऊपर वाली प्लेट में सिर्फ मेरा हर्ट सिस्टम था। हर्ट सिस्टम को मैंने देखा तो मेरे पास चैम्बर वाइज, बहुत सारे चैम्बर वाइज में 13 चैम्बर हर्ट आया था। हमारा हर्ट कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। इनका कितना होता है? 13 चैम्बर। और उसमें मसल्स लगी हुई थी, साइड से मसल्स अटैच थी, उनको हमने बोला क्या? बोला उनको हमने एलरी मसल्स। तो ये समझ में आ गया होगा। देखो तो डॉर्सल वेंट्रल ऊपर हो गई, डॉर्सल नीचे की तरफ, सॉरी डॉर्सल ऊपर हो गई, वेंट्रल नीचे की तरफ थी, है ना। तो अभी खैर वेंट्रल डॉर्सल नहीं करते हैं यहाँ पे, हम सिंपली देखते हैं कि मैं टॉप व्यू उसका दिखा रही हूँ। टॉप व्यू में मैंने सिर्फ डॉर्सल साइड को लिया है, और डॉर्सल साइड की कैविटी को मैं बोल रही हूँ पेरिकार्डियल साइनसिस, ठीक है। और ये पूरा क्या है? हीमोसील है, जिसमें क्या है? विसरल ऑर्गन भरे हुए हैं जो हीमोलिम्फ में क्या कर रहे हैं, बेसिकली सर्वाइव कर रहे हैं। हीमो सील का मतलब क्या हो गया? सील हो गई कैविटी। कैविटी का मतलब होता है ओपन स्पेस, ओपन स्पेस, खाली एरिया, है ना। और हीमो लिम्फ, लिम्फ क्या है? बेसिकली एक फ्लूइड मान लो। तो इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जो कि कैसा है? कलरलेस है, कलरलेस होता है, ठीक। तो यही चीज़ दिखा रखी है। देखो ये हीमोसील है, इस हीमोसील को आप कैविटी भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड के, फ्लूइड को क्या बोलोगे? हीमोलिम्फ बोलोगे। और वो कैसा होता है? वो कलरलेस होता है, चाहे वो प्लाज्मा हो चाहे वो हीमोसाइट्स हो। हीमोसाइट मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? साइट का मतलब होता है सेल, हीमो का मतलब होता है ब्लड। तो बेसिकली ये क्या है? इन प्लाज्मा हो चाहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हो, उनमें कहीं पे भी कलर नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं कलरलेस। कलरलेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट? हीमोग्लोबिन। तो इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाएगा। सपोज एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करके लेकर के जाता है, और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जाकर के किसको दे देता है? ये जाकर के दे देता है, यहाँ से तोड़ देगा और ये दे देगा टिश्यू को। तो इस तरीके से टिश्यू को क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। उठा के कहाँ से लाता है? ये हर्ट से उठाकर, लंग से लेकर के आता है ऑक्सीजन को, है ना। तो उसको फिर हर्ट पंप कर देता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, कैरी करना ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? ऑक्सीजन ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए। तो अगर ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है तो हीमोग्लोबिन होगा तो वो ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा, लेकिन इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए इनका ब्लड जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता। ब्लड का कोई काम नहीं होता, इनके ब्लड का कोई काम नहीं होता गैस को एक्सचेंज करवाने में। इनके अंदर गैस का एक्सचेंज कैसे होता है वो मैं बाद में आपको बताऊँगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब देखो अगर आप हर्ट को ध्यान से देखोगे ना, तो चलिए एक काम करते हैं, ये वाला कलर चूज़ करते हैं, आपको समझ आएगा। हर्ट को अगर ध्यान से चूज देखोगे तो हर्ट ये रहा, ये जो सेंटर में देख रहे हो ना तुम, ये वाली स्ट्रक्चर जो येलो कलर में दिखा रखी है, ये वाली स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? दिस इज योर हर्ट। और ये कितने हैं? 13 पेयर, एक के बाद एक है, ये देखो, है ना। इसमें सबसे आगे वाला जो हेड की तरफ था उसको, ये रहा हेड की तरफ, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया एंटीरियर आओर्टा। हेड की तरफ जो था उसको बोला गया एंटीरियर आओर्टा। इस तरीके से करते करते ये होंगे आपके पास 13। और जो साइड में देख रहे हो ये वाली, ये मसल्स जो हैं, इन मसल्स को हम बोलते हैं एलरी मसल्स। दीज मसल्स आर नोन एज एलरी मसल, ठीक है। ये एंटीरियर आउर्टा था, ये एलरी मसल है, ये हीमोसील है, एंड दीज आर द बेसिकली चैम्बर्स ऑफ हर्ट। ये कैसी शेप के होते हैं? इनको हम बोलते हैं फनल शेप होते हैं। और जो एलरी मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? फैन लाइक होती हैं, ट्राइंगुलर, फैन की तरह दिख रही हैं, ट्राइंगुलर शेप में दिखाई दे रही हैं। कितनी हैं? 12 पेयर हैं, यानी 24 हैं। हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, जैसे ही हर्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन करना होता है तो ये हेल्प करती हैं उस चीज़ में, ठीक। अब अगर हम हर्ट की बात करें तो हर्ट बेसिकली 13 चैम्बर होते हैं। मस्क्यूलर ट्यूब रन अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमन। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है याद करना। कैसे याद करोगे? मैंने क्या बताया था कि ये कॉकरोच है, और कॉकरोच का ये हेड है, ये थॉरेक्स है, ये एब्डोमन है। हेड को छोड़ दो, हेड में हर्ट नहीं होता। कहाँ कहाँ होता है? थॉरेक्स में होता है, एब्डोमन में होता है, ठीक है।
थॉरिक्स और एब्डोमेन में कहाँ होता है? डोर्सल साइड पे होता है। और कहाँ होता है? ना तो वो इधर की तरफ होता है ना वो उधर की तरफ होता है, वो सेंटर में होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मस्कुलर सिस्टम हर्ट वाला प्रेजेंट है कॉकरोच के अंदर, वो कहाँ प्रेजेंट है? मिड लाइन, यानी सेंट्रल लाइन, मिड लाइन ऑफ थॉरिक्स एंड एब्डोमेन ऑन डोर्सल साइड, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक, क्लियर? देखो अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा रखी है, ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये पूरी बेसिकली इस चीज़ की है कि ये जो चैम्बर है ना, ये वाले, ये जो मैं दिखा रही थी, मैंने कहा ना कि एक इसके बाद इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसे जुड़ा हुआ है? ऐसे दिखा रखी है ना एनसीईआरटी ने आपको स्ट्रक्चर, ऐसे करके, ऐसे ध्यान से देख रहे हो, ये वाली स्ट्रक्चर दिखा रखी है। इनको बोला है कि 13 पेयर हर्ट है, लेकिन कैसे जुड़े हुए हैं? तो वो ऐसे जुड़े हुए हैं, ये देखो ऐसे। इसमें कैसे जुड़े हुए हैं ये भी सुन लो, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ये देख के। इसमें होता क्या है, मान लेते हैं ये वाला है, ये वाला, इसको मैं फर्स्ट नंबर दे रही हूँ और इसको मैं सेकंड नंबर दे रही हूँ, उसको मैं थर्ड दे रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट हर्ट है, ये चैम्बर है, ये सेकंड चैम्बर है, ये थर्ड चैम्बर है। तो जो मेरा फर्स्ट चैम्बर होगा ना, वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे, ठीक है। और जो मेरा सेकंड चैम्बर होगा, वो सेकंड चैम्बर आएगा और इसके अंदर ओपन होगा ऐसे, वो भी तो आगे थर्ड वाले से जुड़ा हुआ होगा ना, तो वो इस तरीके से आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं वॉल्व, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं वॉल्व। और यहाँ पे जो पहले वाला चैम्बर, ये तो फर्स्ट था ना, ये सेकंड था, सेकंड वाला चैम्बर जब फर्स्ट में ओपन हो रहा है तो इस ओपनिंग को हमने बोला वॉल्व। लेकिन जो फर्स्ट वाले की ओपनिंग इसके साथ जुड़ेगी, ये वाली ओपनिंग, ये वाली दोनों साइड से, इसको हम बोलते हैं ओस्टिया। दिस इज नोन एज ओस्टिया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है रेड से, ओस्टिया। और इसको हम बोलते हैं वॉल्व। यानी अब मान लो अगर थर्ड वाला आएगा तो थर्ड वाला भी ऐसे ही आएगा, ये देखो, समझ में आया? ये आया वॉल्व, और जो ग्रीन वाले के साथ जुड़ी हुई ओपनिंग है ये वाली, दिस इज नोन एज ओस्टिया। तो ये बनाते हैं चैम्बर टू चैम्बर इस तरीके से। जो ब्लड है बेसिकली, देखो ये हेड था, ये ऊपर की डॉर्सल आउरटा है, और ये ऊपर की पेरिकार्डियल कैविटी, ये नीचे की पैरी न्यूरल कैविटी, जिसमें डायाफ्राम आता है, वेंट्रल डायाफ्राम होता है, ऊपर डॉर्सल डायाफ्राम होता है जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये रहे तुम्हारे चैम्बर, दीज आर द चैम्बर्स। ओके, वाइट में वाइट नहीं दिखता है बच्चों, है ना, ये भी थोड़ी सी गड़बड़ है हमारे साथ कि वाइट पे वाइट नहीं दिखता। खैर कोई बात नहीं, ये देखो ये क्या है, दीज आर द चैम्बर्स। ब्लड देख रहे हो कैसे जा रहा है? ब्लड यहाँ से जा रहा है, मूव होकर के पीछे से आएगा और इन चैम्बर ओस्टिया के थ्रू एंट्री करके आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, एंटीरियर आउरटा तक आएगा, और फिर यही ब्लड फिर से पंप कर दिया जाएगा पूरी बॉडी में। ग्रेट, इस तरीके से काम चलता है। तो ये सारा था तुम्हारे समझाने के लिए, मैंने यहाँ पे बताया है। अब एक बार एनसीईआरटी रीडिंग ले लेते हैं। एनसीईआरटी में मैंने आपको बता दिया ये रहे एंटीरियर आउरटा। टोटल चैम्बर कितने होते हैं? टोटल चैम्बर होते हैं 13 चैम्बर। एनसीईआरटी ने 13 ही लिखे हुए हैं तो हम भी 13 लिख देते हैं। 13 चैम्बर होते हैं, मस्क्यूलर होते हैं, है ना, एलरी मसल्स होती हैं, ये फनल शेप होते हैं चैम्बर, लिखा भी है शायद, फनल शेप होते हैं। और ये जो आपके एलरी मसल हैं ये हैं 12 पेयर, फैन लाइक होती हैं, नैरो होती हैं, फैन लाइक ट्रायंगुलर होती हैं, फैन लाइक होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये भी मसल्स हैं तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, ब्लड को पंप करवाने के लिए यूज़फुल होती ही हैं। तो कौन सी कैविटी में प्रेजेंट है? ये पूरी कैविटी जो है, इस कैविटी को हम बोलते हैं हीमोसील। इस पूरी कैविटी को बोला जाता है हीमोसील। दिस इज नोन एज हीमोसील। और इसके अंदर भरा हुआ क्या होता है? इसके अंदर भरा हुआ होता है फ्लूइड, जो कि कलरलेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कलरलेस हीमोलिम्फ। ठीक है, रट्टा मत मारना, बस समझते चले जाओ, समझ सब आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत हो रही होगी। खैर अब हम आगे करते हैं ब्लड वाला। तो देखो ब्लड, बस एनसीईआरटी उठा लो, पढ़ते हैं।
ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप. ओपन है क्योंकि इसमें कोई आर्टरी और कैपिलरी और वेन का कोई कनेक्शन आपस में नहीं बन रहा. ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, आर्टरी वेन कैपिलरी बहुत कम डेवलप हैं एंड ओपन इनटू स्पेसेस. स्पेस को क्या बोलते हो, हीमोसील. ओपन स्पेसेस का मतलब होता है, सील का मतलब होता है कैविटी, उसके अंदर क्या होता है, खुलती है, ओपन स्पेसेस. ठीक है, उसके अलावा तो ये हीमोसील याद रखोगे. विजरल ऑर्गन्स यानी जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं लोकेटेड इन द हीमोसील एंड आर बाथ्ड इन द ब्लड. ब्लड में ही वो क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं. मान लो कैसे समझाया जाए, मान लो सिंपल मान लेते हैं कुछ इनके पास है, लीवर मान लेते हैं. वैसे मैं सिंपल मान रही हूँ बहुत, है ना. तो वो लीवर क्या होगा, वो यहीं कहीं फ्लोट कर रहा होगा. हीमोलिम्फ जो फ्लूइड है उसकी बात करें तो वो किससे बना हुआ है, वो कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट RBC WBC और प्लेटलेट्स वगैरह इनसे बना हुआ है. हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, एक लंबी सी ट्यूब जा रही है, ये देखो लंबी सी ट्यूब जा रही है. कहाँ से जा रही है, लेइंग अलोंग मिड डॉर्सल, बीच से जा रही है, डॉर्सल साइड पे थॉरिक्स एंड एब्डोमन के सेगमेंट में, हेड के अंदर से नहीं जा रही. इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इंटू फनल शेप्ड चैम्बर. ये चैम्बर कैसे हैं, इनके फनल शेप हैं, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई थी. इन चैम्बर्स को हम बोलते हैं These are the funnel shaped chamber, ये वाले. ठीक है, ये जो number one, number two मैंने बताया था ना, ये chamber क्या है, funnel chamber है, जिसमें ostia भी present है और valve भी present है. Differentiated into funnel shaped chamber with ostia on either side. दोनों side क्या present है, ostia present होते हैं. Blood from sinuses enter heart through ostia. ओस्टिया के थ्रू तो ब्लड एंटर करता है एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसिस अगेन. पूरा ब्लड जो कलेक्ट होके पीछे से आगे की तरफ क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, एंटीरियर साइड की तरफ पंप किया जाता है. तो ये था तुम्हारा हर्ट कॉकरोच का. आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा. थर्ड अब हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो चलिए करते ही हैं स्टार्ट, है ना. आई होप पहले आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप एक बार NCERT की उसकी रीडिंग ले लो, फिर हम करते हैं आगे स्टार्ट. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने क्या पढ़ लिया है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ लिया, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया. अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की. तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम कैसे काम करते हैं. कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता कैसे है, वो रेस्पिरेशन मतलब सांस कैसे लेता है ना, हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि सांस कैसे लेता है. तो देखो होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले हमारे पास सपोज कर लेते हैं ये जो कॉकरोच है इसका हेड है और ये थॉरिक्स रीजन है, जो मैंने रेड वाले इंडिकेट किए ना ये थॉरिक्स रीजन है, और जो वाइट वाले इंडिकेट किए हैं वो है हमारा एब्डोमिनल रीजन. तो जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में थॉरिक्स में कितने सेगमेंट थे, अगर आपको याद हो कॉकरोच में थॉरिक्स में 3 सेगमेंट्स थे, है ना. कॉकरोच में थॉरिक्स में 3 सेगमेंट्स थे, 3 सेगमेंट. और इन 3 सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इनमें से सिर्फ लास्ट के 2 सेगमेंट जो एब्डोमेन के पास हैं, 2 सेगमेंट जो होते हैं वो उनकी साइड वॉल पे, सपोज ये कॉकरोच की साइड वॉल है, साइड से कॉकरोच है तो यहाँ पे 2 ओपनिंग होंगी इस तरीके से. इनको हम बोलते हैं, इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं स्पाइरेकल. 2 पेयर जो होंगे वो थॉरिक्स में होंगे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, और जो 8 होंगे एब्डोमेन के सेगमेंट, तो 8 जो होंगी ओपनिंग वो साइड में होंगी. एब्डोमेन में क्या होंगी, 8 पेयर होंगी, ठीक है, 8 पेयर इन एब्डोमेन. इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं स्पाइरेकल, दीज ओपनिंग्स आर नोन एज स्पाइरेकल. क्लियर हो गया. स्पाइरिकल हैं, टोटल स्पाइरिकल कितने होते हैं, 10 पेयर होते हैं. और ये अटैच कैसे होते हैं, दे अटैच लेटरली, साइड से ये अटैच होते हैं. अब हम बात करते हैं कि होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है. अब जैसे मान लो, सपोज कर लो अगेन, ओके सपोज करते हैं अगेन दिस इज अ कॉकरोच, एंड इस कॉकरोच में ये तो डॉर्सल साइड थी, ये वेंट्रल साइड थी, ये इसका हेड था, ये बीच में थॉरिक्स था, ये एब्डोमेन थे, है ना. तो थॉरिक्स के 2 सेगमेंट, थॉरिक्स का फर्स्ट सेगमेंट छोड़ के सेकंड और थर्ड सेगमेंट, और जो लास्ट के 8 एब्डोमिनल सेगमेंट है वो वाले सेगमेंट, उन सेगमेंट के साइड में इधर और इधर, इधर और इधर क्या होंगी, ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं. इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं स्पाइरिकल, मतलब एक ओपनिंग इधर है, एक ओपनिंग इधर है, साइड वॉल पे एक ओपनिंग इधर है, एक ओपनिंग इधर है, तो पेयर में है. तो 2 पेयर हो गए थॉरिक्स में और 8 पेयर हो गए एब्डोमेन में, दीज ओपनिंग्स आर नोन एज स्पाइरेकल. और इन ओपनिंग में क्या होगा, इन ओपनिंग से बाहर के एटमोसफेयर की जो एयर होगी उसको अंदर लेकर के जाया जाएगा इन ओपनिंग्स के थ्रू.
तो वही चीज़ दिखा रखी है कि इन ओपनिंग्स के थ्रू क्या गई, ये रही अब ओपनिंग। इस ओपनिंग के अंदर देखते हैं अब क्या क्या है। ये ओपनिंग थी, इसके थ्रू जो है एयर अंदर गई है ना। इस एयर को अंदर जाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक स्फिंचर लगा हुआ होता है। स्फिंचर का मतलब होता है एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो ओपनिंग को कंट्रोल करता है, मतलब ओपनिंग को कम करता है, ओपनिंग को ज़्यादा करता है। तो ये स्फिंचर क्या है, ओपनिंग को कंट्रोल करता है स्पाइरिकल की, कि ये वाले जो होल्स हैं इनको छोटा रखना है या बड़ा रखना है। जैसे ही आपके पास एंट्री हो गई किसकी, एयर की, तो एयर स्पाइरिकल के थ्रू अंदर जाएगा। जब वो अंदर जा रहा है तो अंदर सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा। ये गया आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर जाने के बाद वो छोटी छोटी ब्रांचेज में जाएगा, जिनको हम बोलते हैं ट्रैकियोल्स। इन ब्रांचेज के अंदर जाएगा, इनको हम बोलते हैं ट्रैकियोल। अब बाहर से आई थी ऑक्सीजन, अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन को किसी पिगमेंट ने कैरी नहीं किया है ब्लड में, इसीलिए पिगमेंट नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट ओपनिंग लगी हुई है कॉकरोच की स्ट्रक्चर पे, और वहाँ से डायरेक्ट हवा आती है, और वो डायरेक्ट हवा कहाँ चली जाती है, बॉडी के अंदर चली जाती है। कैसे, स्पाइरिकल से जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाएगी ट्रैकियोल्स में, और यहाँ पे क्या है, ये सेल्स हैं, टिश्यू की सेल्स लगी हुई हैं। इन टिश्यू की सेल में क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के यहाँ चली जाएगी, और मान लो इस टिश्यू में CO2 जो थी वो CO2 इसके अंदर आ जाएगी, फिर यही CO2 होते हुए ट्रैकिया से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। तो ये कोई बॉडी की सेल थी, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। नॉर्मल कैसे हो रही है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है। और अगर आपको याद हो ना, मैंने कहा था कि जब हमने ये वाली चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो बच्चों, तो हमने कहाँ पे गई, हमने ये वाली स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ये वाली, जब मैंने आपको कहा था कि जो स्केलेराइट्स होते हैं उनमें टर्गोस्टर्नल मसल्स होती हैं, एक्सक्यूज मी, उनमें टर्गोस्टर्नल मसल्स होती हैं। ये टर्गोस्टर्नल मसल्स किसमें यूज़ होती हैं, हेल्प इन रेस्पिरेशन। इसका मतलब जब ये मसल्स कंट्रोल करती हैं किस चीज़ को, जब ये मसल किसको कंट्रोल करती है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती हैं, और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब होता है एक्सपायरेशन, यानी बॉडी से हवा बाहर जाती है, और जब ये रिलैक्स करती हैं तो बॉडी के अंदर हवा आती है कॉकरोच के, ठीक है। तो देखो इस तरीके से है, सबसे पहले क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्पाइरिकल जो है, यहाँ क्या है, दिस इज द आउटर ओपनिंग ऑन प्लूरा। प्लूरा क्या थी, लेटरल वॉल, जो कॉकरोच की साइड होती है उनको हम प्लूरा बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था। फिर ये यहाँ से जाएंगी एट्रिया में, एट्रिया से ये जाएंगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है, बेसिकली दिस इज़ द लार्ज ट्यूब गोज टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट, ये बॉडी पार्ट की तरफ जाती है। एंड देन जो है आपके पास जाएगी ये ट्रैकियोल्स में। ट्रैकियोल्स क्या है, बेसिकली नैरो इन डायामीटर होता है देन ट्रैकिया, मतलब अगर ट्रैकिया इतना बड़ा है, नैरो है, तो इससे छोटी छोटी ब्रांचेज निकलेंगी जिनका डायामीटर कम होगा, इनको हम बोलेंगे ट्रैकियोल्स, दीज आर द ट्रैकियोल्स, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज योर ट्रैकिया एंड दिस इज योर ट्रैकियोल, ट्रैकियोल, क्लियर हो गया, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एंड ये क्या होती है, दीज आर द स्मॉल ट्यूब गोज इनसाइड बॉडी टिश्यू और सेल, और वहां से डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी की रीडिंग ले लेते हैं थोड़ी सी। एनसीईआरटी में लिखा है कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, बहुत सारे ट्रैकिया होंगी, ट्यूब्स होंगी, दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल। दो तो किसमें थे, दो पेयर किसमें थे, थॉरेक्स में, 8 पेयर किसमें थे, एब्डोमेन में, ठीक है, तो 10 पेयर हो गए। प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, मैंने बता दिया। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स ट्रैकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल, यानी पहले ट्रैकिया आता है और फिर क्या आते हैं, फिर आते हैं ट्रैकियोल, ट्रैकियोल, ये छोटे वाले ट्रैकियोल। एंड ये क्या करते हैं, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द ऑल, टू ऑल द पार्ट्स, पूरी बॉडी में क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को फैला देते हैं। द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंचर, उसको कंट्रोल कौन करता है, ओपनिंग को, कि कितना बड़ा होल रखना है, कितना छोटा होल रखना है, कितना बड़ा कितना छोटा, तो इस स्फिंचर को के थ्रू ही क्या होता है, वो कंट्रोल होता है। एंड जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है टेक प्लेस एट द ट्रैकियोल बाय डिफ्यूजन। मान लो ये ट्रैकियोल था, इसके बाद यहाँ पे सामने क्या होंगी, यहाँ पे मान लेते हैं कोई बॉडी का टिश्यू है, ये मान लेते हैं बॉडी का टिश्यू है, और इस टिश्यू के अंदर आपको पता है टिश्यू में हमेशा क्या होती है, ज़्यादा CO2 होती है, और O2 क्या होती है, कम होती है ना, तो O2 होती है कम। तो ये जो लेकर के आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड गैस को लेके आ रहा है। ट्रैकिया से कहाँ गया, ट्रैकियोल, यहाँ से स्पाइरिकल था, स्पाइरिकल आया एट्रिया में,
एट्रिया में एयर आई, एट्रिया था ये वाला, और फिर यहाँ से स्पाइरिकल था ये वाला, और स्पाइरिकल से एट्रिया में आई, एट्रिया से ऑक्सीजन कहाँ गई, ट्राकिया में, ट्राकिया से गई ट्राकियोल में, और ट्राकियोल में जाने के बाद ये ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम थी तो ये ऑक्सीजन यहाँ से ट्रांसफ़र कर गई यहाँ पे, और यहाँ पे CO2 ज़्यादा थी तो यहाँ से CO2 ट्रांसफ़र कर गई यहाँ पे, और CO2 निकल गई बाहर सेम प्रोसेस के थ्रू, ट्राकिया फिर एट्रिया और फिर स्पाइरिकल, इसके थ्रू निकल गई बाहर। ये क्या थी बेसिकली, दिस इज़ अ बॉडी सेल। तो यहाँ पे जो बेसिकली हुआ है वो क्या है, दिस इज़ द डिफ्यूज़न, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। डायरेक्टली नॉर्मली क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये रहा हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं ट्राकियल एक्सक्रीटरी सिस्टम की। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि मालपेजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, अगर आपको याद हो ना, तो हमने बात की थी कि ये फोरगट थी जो थोड़ी सी ब्रॉड थी, देन ये मिडगट थी, और फिर से हमारे पास क्या थी, हाइंडगट थी, है ना। तो जो फोरगट और मिडगट थी, सपोज़ ये क्या था, ये क्या था हमारे पास, दिस वॉज फोरगट, ये क्या थी, ये थी मिडगट, ये क्या थी, हाइंडगट। तो जो फोरगट थी, मैंने उस पर आपको बताया भी था कि फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती हैं स्मॉल ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। कितनी बताई थी, 6 to 8 बताई थी, इस तरीके से 6 to 8, है ना। और जो हाइंडगट थी, हाइंडगट पे मैंने आपको क्या बताया था, हाइंडगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती हैं येल्लो कलर की मालपेजियन ट्यूब्यूल, वो बहुत ही छोटी छोटी थी इस तरीके से। ये कितनी थी, ये थी 100 to 150, दीज आर द स्मॉल ट्यूब्यूल्स। कि क्या थी ये, मालपेजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। तो दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर मालपेजियन ट्यूब्यूल। तो हम बात करेंगे इसकी, हमने कहा था कि ये किस चीज़ में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बात करेंगे इसकी। मालपेजियन ट्यूब्यूल जो होती हैं बेसिकली, इनका फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन एक्सक्रीशन एज वेल एज इन ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब ये ऑस्मोटिक चीज़ों को बैलेंस करके रखती हैं, कि अगर जो बॉडी है उसके अंदर ज़्यादा आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या कम नहीं होनी चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी कम नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को बैलेंस करके रखती हैं। कैसी होती हैं, येल्लो कलर की होती हैं, होती क्या है, 100 to 150 होती हैं, ठीक है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है, सपोज़ ये हाइंडगट है, हाइंडगट के मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे ही प्रेजेंट थी आपकी मालपेजियन ट्यूब्यूल। तो ये मान लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे समझाती हूँ, है ना। ये क्या है, ये तुम्हारा नन्ना सा कॉकरोच है, इस कॉकरोच की ये मिडगट गई हुई है, और ये क्या है, ये गट गई हुई है, और ये डोर्सल पे क्या है, एनल है। सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पे तो है हिपैटिक सीके, ये तो मान लो हिपैटिक सीके, और यहाँ पे क्या है, मालपेजियन ट्यूब्यूल। ये 100 to 150 क्या है, मालपेजियन ट्यूब्यूल। अब ये जो पूरी प्रेजेंट है, ये पूरी क्या है, दिस इज़ योर बॉडी कैविटी। इस बॉडी कैविटी को हमने क्या बोला था, हीमोसील, इसको हमने बोला था हीमोसील। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ, ठीक है। अब जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा बच्चों, वो सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट कलेक्ट कहाँ होगा, वो इस हीमोलिम्फ में कलेक्ट होगा। सपोज ये ग्रीन कलर का एक्सक्रीटरी वेस्ट है, अब इस ग्रीन कलर के एक्सक्रीटरी वेस्ट को जो हाइंड गट में प्रेजेंट है तुम्हारी मालपेजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच की, उसने क्या कर लिया, पिक कर लिया। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रेजेंट था हीमोसील में या हीमोलिम्फ में, वो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रेजेंट था किस फॉर्म में, वो प्रेजेंट था पोटेशियम यूरिएट की फॉर्म में, पोटेशियम यूरिएट की फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है। अब ये पोटेशियम यूरिएट, मान लो ये पूरी क्या थी, ये हीमोलिम्फ था, वही चीज़ जो मैं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ खोल के दिखा दिया है, ये हीमोलिम्फ था और इसमें पड़ा हुआ है पोटेशियम यूरिएट। अब ये पोटेशियम यूरिएट तो है कॉकरोच की बॉडी के हीमो सील में, है ना, कैविटी में।
ये रही तुम्हारी मैल्फीजियन ट्यूब्यूल। मैल्फीजियन ट्यूब्यूल येलो कलर की है और मैल्फीजियन ट्यूब्यूल को अंदर से देखोगे तो ये स्काई ब्लू कलर में मैंने जो बना रखी हैं ये हैं सेल्स। ये सेल्स कैसी हैं? ये सेल्स है ग्लैंडुलर हैं और सिलिएटेड एपिथीलियम की बनी हुई हैं। मतलब ये कुछ सिक्रीट करती हैं और ये सिलिएटेड एपिथीलियम की बनी हुई हैं। अब हुआ क्या, पोटेशियम यूरिएट को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। जब इन्होंने पोटेशियम यूरिएट को एब्जॉर्ब किया तो उसको दो पार्ट में तोड़ दिया। एक तो पोटेशियम यूरिएट को इन्होंने तोड़ा पोटेशियम बाईकार्बोनेट में ब्रेक डाउन किया, पोटेशियम बाईकार्बोनेट। और दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा इन्होंने इसको तोड़ा यूरिक एसिड में। ठीक है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट तो इसके लिए ज़रूरी था, कॉकरोच के लिए ज़रूरी था, क्योंकि ये ओस्मो रेगुलेशन करता है, यानी ऑस्मोटिक मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बना करके रखता है, ओस्मो रेगुलेशन। लेकिन जो आपके पास ये था, ये क्या था, जो यूरिक एसिड था, यूरिक एसिड किसी काम का नहीं था, मतलब कि यूरिक एसिड का कोई लेना देना था ही नहीं। तो यूरिक एसिड क्या था, वेस्ट था। इस यूरिक एसिड को अब तुमने क्या करना था, बाहर फेंकना था, एग्जिट। तो वो क्या हुआ, यहाँ पे पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो था इसको वापस से क्या कर लिया गया, रीअब्जॉर्ब कर लिया गया और यूरिक एसिड को आगे ले जा करके हाइंड गट के थ्रू, ये हाइंड गट है पूरी, इस हाइंड गट के थ्रू क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। अगर हाइंड गट के थ्रू यूरिक एसिड को बाहर निकाला जा रहा था, इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ यूरिकोटैलिक, यानी ये यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है यूरिकोटैलिक। तो इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। सिर्फ मैल्फीजियन ट्यूब्यूल ही एक्सक्रेटरी सिस्टम में काम नहीं करती हैं, कुछ और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी होती हैं, जैसे फैट बॉडीज होती हैं, नेफ्रोसाइट होती हैं, ये भी क्या करती हैं, एक्सक्रेशन में याद काम करती हैं। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। और थर्ड हो गए, जैसे यूरिकोज ग्लैंड होती है, यूरिकोज ग्लैंड की खास बात यह है कि ये सिर्फ मेल के अंदर प्रेजेंट होती है, फीमेल में एक्सक्रेशन के लिए यूरिकोज ग्लैंड नहीं होती है। और मेल में भी कहाँ प्रेजेंट होती है, लॉन्ग ट्यूब्यूल में। अब ये लॉन्ग ट्यूब्यूल क्या है, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल आपको मैं तब पढ़ाऊंगी जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे मेल का, ठीक है। तो लॉन्ग ट्यूब्यूल होते हैं, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल बेसिकली आपके पास जो मेल के स्पर्म नहीं बोलूंगी, मेल के जो गैमेट्स बनेंगे, उन गैमेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्पर्मेटोफोर यानी पैकेट बनेगा, उस पैकेट की लाइनिंग को बनाते हैं लॉन्ग ट्यूब्यूल। और वहीं पर एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं यूरिकोज ग्लैंड, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यूरिकोज ग्लैंड। तो एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सक्रीशन के लिए चार चीज़ें हैं, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड किस में होती है, सिर्फ मेल में होती है, और मेल में भी कहाँ होती है, लॉन्ग ट्यूब्यूल के अंदर होती है, ठीक। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, फिर मैं दोनों ही एक साथ पढ़ाऊंगी, एक्सक्रीटरी और नर्वस एनसीईआरटी से। देखो नर्वस सिस्टम को ऐसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, आप कैसे समझोगे नर्वस सिस्टम को, कुछ ऐसे समझोगे, मैंने एक डायग्राम बनाया था बच्चों, यहाँ से समझाती हूँ आपको, हाँ ये वाला देखो, है ना, ये वाला याद होगा तुम्हें। मैंने कहा था कि डोर्सल साइड में तो हर्ट होता है, नीचे होती है पैरी न्यूरल साइनेसिस। इस पैरी न्यूरल साइनेसिस यानी इस पैरी न्यूरल कैविटी में क्या भरे हुए होते हैं, इस पैरी न्यूरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं आपके पास इस तरीके से गैंग्लिए, ये रहे गैंग्लिए। गैंग्लिए कुछ नहीं होते, गैंग्लिए बेसिकली जो न्यूरॉन होता है ना तुम्हारा, उस न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, जब वो एक जगह कलेक्ट हो जाती है सारी, तो उसको आप गैंग्लिया बोलने लग जाते हो, ठीक है। सॉरी, जो एक्सोन होते हैं, जो न्यूरॉन के एक्सोन होते हैं, जब वो एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको आप बोलने लग जाते हो गैंग्लिया। तो इस तरीके से ये गैंग्लिया पड़े हुए हैं, इनको, इनमें से एक बड़ा गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन के पास प्रेजेंट है। तो जो ब्रेन के पास प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा का मतलब होता है सबसे ऊपर, और ईसोफेजियल यानी ईसोफेगस के ऊपर जो गैंग्लिया प्रेजेंट है दैट इज सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। और जो ईसोफेगस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देते हैं सब, सब का मतलब होता है नीचे, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके पास गैंग्लिया हैं ये आपस में कनेक्ट होंगे, ये कनेक्ट कैसे होंगे, ये कनेक्ट होंगे नर्व कोड से, और नर्व कोड क्या होंगी, डबल होंगी, इस तरीके से डबल नर्व कोड होगी, ये देखो
और वो लेटरल अटैच होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि नर्व कोर्ड जो होगी वो वेंट्रल होगी, सॉलिड होगी और डबल होगी और लेटरली कमीसर लेटरली अटैच होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया पूरा ब्रेन सिस्टम, इसको हम पूरे को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। यही चीज़ तुम्हारे पास यहाँ दिखा रखी है, देखो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो दिखा रखा है वो ब्रेन में दिखा रखा है, ये वाला जो पूरा दिखा रखा है दिस इज सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ये क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है एंटीने को और आई को, तो उनको कंट्रोल करने का काम किसका है, ब्रेन को कंट्रोल, जो हेड की एंटीने और आई है उनको कंट्रोल कौन करता है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। उसके बाद जो आपके पास इसके जस्ट नीचे होगा ये वाला, इसको हम बोलते हैं सब इसोफेजियल गैंग्लियन, दिस इज नोन एज सब इसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है। उसके बाद आपके पास थोरेसिक रीजन से शुरू होंगे, ये रहा, मैं कलर चूज़ कर लेती हूँ सेकंड ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये क्या है, मेरा एक और गैंग्लियन है जो थोरेसिक रीजन में है, एक गैंग्लियन ये है जो थोरेसिक रीजन में है, कि ये है, तीन थोरेक्स के सेगमेंट होते हैं और तीनों में ही गैंग्लियन प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं थोरेसिक गैंग्लियन। उसके बाद प्रेजेंट है एब्डोमन में, ये रहे एब्डोमन के गैंग्लियन, इनको हम बोलते हैं एब्डोमिनल गैंग्लियन, तो ये सारे एब्डोमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट है, ये वाला भी एब्डोमिनल गैंग्लियन। उसके अलावा अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये आपस में कनेक्ट है, तो जब ये आपस में कनेक्ट है तो जो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन क्या है, डबल है, ये देखो एक यहाँ पे है एक ये है, इसी तरह यहाँ पे है और यहाँ पे है, है ना। तो ये सारे आपस में आप एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, ये देखो इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल नर्व कोड, क्योंकि ये तो नीचे की साइड भी है और नर्व कोड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेंट्रल नर्व कोड, ठीक। कैसी होती है, ये होती है सॉलिड होती है, वेंट्रल होती है, डबल होती है, और जिस कैविटी में ये होती है उसको आप बोलते हो पैरी न्यूरल कैविटी, वो भी कैसी होती है, वेंट्रल होती है, क्लियर। और जो उसके साइड में यानी जो डोर्सल साइड पे होगी, जो हमने कहा था ना कि मैंने जो कॉकरोच को ऊपर से ऐसे कट किया था, तो ऊपर वाला बॉक्स उठा लिया था वो था मेरा पैरी कार्डियल कैविटी, और जो नीचे वाला बॉक्स बचा था वो था मेरा पैरी न्यूरल कैविटी, क्लियर। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखा रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों, यहाँ से पढ़ते हैं कि जो ब्रेन होता है, जो कॉकरोच का ब्रेन होता है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है, कैसे स्प्रेड होता है, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ में, यानी देखो एक दो तीन इस तरीके से सीरीज़ में बन रहे हैं, ये सीरीज़ ऑफ फ्यूज्ड आपस में जुड़े हुए हैं और हर एक सेगमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं, जैसे थोरेक्स में तीन है, एब्डोमेन में अलग हैं, सेगमेंटली अरेंज हैं, गैंग्लिया बोलते हैं इनको, यानी न्यूरोन के जो एक्सोन होते हैं जब वो एक जगह आ जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, तो आप उनको गैंग्लिया बोलते हो। जॉइंट बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड, इनको जो वेंट्रल नर्व कोड है ये बेसिकली क्या है, दिस इज योर पेयर्ड, क्योंकि डबल है, पेयर्ड और लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब सीधी है, पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल क्या है ये, पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव कहाँ पर है, ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है, पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन वेंट्रल साइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वेंट्रल नर्व कोड, समझ आ गया होगा। थ्री गैंग्लिया होते हैं थॉरेक्स में, मैंने बता दिया एक दो तीन, थ्री गैंग्लिया इन थॉरेक्स एंड सिक्स इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में छः थे, एक दो तीन चार पाँच, इन्होंने पाँच दिखा रखे हैं, सिक्स होते हैं बेसिकली, है ना। उसके अलावा हेड में क्या है, देखो हेड में सिर्फ आपको एक ही दिखाई दे रहा है जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है, तो ये बहुत थोड़ा सा पार्ट बनाता है ब्रेन का। हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बहुत थोड़ा नर्वस सिस्टम ये कैरी करता है, जबकि सारा कहाँ पे सिचुएटेड है, सारा सिचुएटेड है बॉडी के अंदर और सारा फैला हुआ है, ध्यान से देखो, इसीलिए हमने कहा था स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। तो बेसिकली हेड बहुत थोड़ा सा रखता है एंड द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल, नीचे की तरफ होगा, बेली साइड में ऑफ द बॉडी। हेड रीजन में ब्रेन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन विच सप्लाई नर्व्स टू एंटीने एंड कंपाउंड आई, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर ध्यान से सोचो कि
अगर मान लो मैंने कॉकरोच का ब्रेन कट कर दिया, मतलब हेड कट कर दिया, तब भी माना जाता है कि उसके बावजूद भी कॉकरोच जो होता है वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाता है, करीबन 1 वीक तक सर्वाइव करता है। कैसे? क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो उसके हेड में नहीं है ज़्यादा अमाउंट में, वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है पहली बात, और दूसरी बात वो मरता इसलिए नहीं है क्योंकि उसका हेड कट गया, वो मरता इसीलिए है क्योंकि वो खाना नहीं खा पाएगा, माउथ जो था वो कट गया, ठीक है, क्योंकि हेड कट गया। तो बेसिकली आप कॉकरोच को बिना हेड के घूमते हुए भी देख सकते हो, एटलीस्ट 1 वीक तक वो जिंदा रह सकता है बिना खाना खाए, ठीक है, उसके बाद ना खाना मिलने की वजह से या खाना ना होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। सेंसरी ऑर्गन की हमने बात करी है, तो सेंसरी ऑर्गन में जानते हैं हमारे पास क्या क्या है। आईज थी, कंपाउंड आई, सिंपल आई, सिंपल आई को ऑसिल आई बोला था, रूडिमेंट्री थी, कंपाउंड आई की सिंगल यूनिट ओमेटीडिया थी जो मोज़ेक विज़न बनाती हैं, सारी पिक्चर्स को जोड़ के एक सिंपल इमेज बनाती है विच इज़ नॉन सुपर इम्पॉसिबल। एंटीना की बात हमने की थी, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं इनमें। मैगजिलरी पाल्प हमने पढ़े थे जो मैगजिला में होते हैं और जो है हमारे पास किसका काम करते हैं, सेंस करने का काम करते हैं। एनल सरसाई की मैंने बात की थी, सेंसरी होती है। एनल स्टाइल जो होता है कपलेशन में हेल्प करता है ना, बट ये भी कुछ एक्सटेंट तक क्या करता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस को भांप लेता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई ख़तरा है। लेबियल पाल्प जो माउथ का पार्ट था जिसको हमने सेकेंडरी मैगजिला बोला था, तो ये सारी क्या है बेसिकली, ये भी आपके सेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम था, तो चलो एक काम करते हैं, नर्वस सिस्टम को पढ़ लेते हैं बच्चों अब। यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से देखना, पहले एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, नो डाउट। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथीलियम, बिल्कुल सही हमने पढ़ा था कि हर एक ट्यूब्यूल क्या है, ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। या नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट में क्या था, यूरिक एसिड, एंड बेसिकली करते एब्जॉर्ब किसको करते हैं, पोटाशियम यूरिएट को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड कन्वर्ट देम इंटू यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। पोटेशियम बाइकार्बोनेट तो जो है वो वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, विच इज़ एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट। अब ये सारा हाइंड गट के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसीलिए इन इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक बोलते हैं। इन एडिशन इसके अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास फैट बॉडी होती है, और क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रोसाइट्स होती हैं एंड यूरिकोज ग्लैंड्स होती हैं जो हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में। यूरिकोज ग्लैंड के लिए मैंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि यूरिकोज ग्लैंड सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, यूरिकोज ग्लैंड जो होती हैं ये सिर्फ मेल में होती हैं, यूरिकोज ग्लैंड ओनली इन मेल, ठीक है। और मेल में भी कहाँ पे होती हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स में। अब ये क्या है, लॉन्ग ट्यूब्यूल बताऊंगी, लॉन्ग ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम जो है मेनली वो कॉकरोच का पूरी बॉडी में क्या है, फैला हुआ है। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड, वही चीज़ जो मैंने अभी बताई, सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड, 3 गैंग्लिया लाइन थॉरिक्स, 16 एब्डोमन। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, सब बता दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड, अब तुम समझ सकते हो, दैट इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच, अगर आप कॉकरोच के हेड को कट कर दो, इस कट ऑफ, इट विल स्टिल लाइव, ये अभी भी जिंदा रहेगा फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक, करीबन एक हफ्ते तक। इन द हेड रीजन, क्यों इन द हेड रीजन, द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, हेड में सिर्फ सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन ही होता है जो क्या करता है, जो सप्लाई करता है नर्व्स किस किस को, एंटीने को एंड कंपाउंड आई को। इन कॉकरोच सेंस ऑर्गन और क्या क्या होते हैं, एंटीने होते हैं, आई होते हैं, मैगजिलरी पाल्प, लेबियल पाल्प, पैनल सरसाई, ये सब होते हैं। कंपाउंड आई जो था हमने पढ़ा था वो कैसा था, कंपाउंड आई सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, हेड है सपोज, तो उसके डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होंगी, कंपाउंड आईज होंगी, एंड ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया, करीबन 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया से बना हुआ होता है, विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटीडिया, बहुत सारे ओमेटीडिया जो होंगे जब आपस में जुड़ जाते हैं, ए कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये बहुत सारी इमेजेस उसको मिलती हैं, दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोज़ेक विजन विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। सेंसिटिविटी बहुत अच्छी खासी होती है लेकिन रेजोल्यूशन नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर पिक्चर नहीं बनती है ना।
बींग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट, और इनको ज़्यादातर ये नाइट के टाइम ही दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं नक्टर्नल विजन। कॉकरोच हमें ज़्यादातर क्या दिखाई देते हैं, रात के टाइम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि इनको भी रात को ही दिखता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा रात को दिखाई देता है, इसलिए हम ये क्या करते हैं नक्टर्नल विजन शो करते हैं। तो आई होप आपने यहाँ तक पढ़ लिया है मेरे साथ। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है एंड दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले मेल का पढ़ेंगे, फिर फीमेल का पढ़ेंगे, एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली हम इनका डेवलपमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम शुरू कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का कॉकरोच के लिए। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा ना एक दो वर्ड पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से कि ये बोल क्या रही है, फिर हम मेल की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, ओके ग्रेट। तो देखो मेल कॉकरोच की अगर हम बात करें तो कॉकरोच बेसिकली कैसे होते हैं, कॉकरोच जो होते हैं ना वो डाइशियस होते हैं। डाइशियस का क्या मतलब होता है, देखो कॉकरोच आर डाइशियस, यहाँ पे लिखा है दैट कॉकरोच आर डाइशियस। डाइशियस का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, सेपरेट। एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड, मेल का और फीमेल का दोनों के सेक्सेस जो होते हैं वो अलग अलग से बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जो क्योंकि ये दोनों जो हैं अलग अलग हैं और साथ में ये समझ भी आता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, मतलब आप इनको बाहर से देख के पता लगा सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि दे शोज सेक्शुअल डाई मॉर्फिज्म, यानी इनके पास डाई का मतलब दो और मॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, शेप या स्ट्रक्चर। इनके पास दो शेप या क्या होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, तो यानी इनके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये शो करते हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेल में क्या क्या होता है। देखो मेल में घबराना नहीं है, मेल में क्या है, ये सारे सेगमेंट दिखा रखे हैं, है ना, बॉडी का फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ। आपको जो इम्पॉर्टेंट देखना है वो क्या देखना है, टेस्टीज देखना है। टेस्टीज को देखो कहाँ से कहाँ तक है, टेस्टीज फोर्थ सेगमेंट से लेकर के आपके पास सिक्स्थ सेगमेंट तक क्या है, टेस्टीज है। तो टेस्टीज हो गई सबसे पहले, एक ये है और एक ये वाली है, ठीक, लोब्यूल हैं ये, टेस्टीज में भी लोब्यूल बने हुए हैं। तो टेस्टीज की जो पोजिशन है, टेस्टीज की जो सेगमेंट है कहाँ से कहाँ तक है, ये है फोर्थ टू सिक्स्थ सेगमेंट, यहाँ पे क्या है आपकी टेस्टिस है। आप टेस्टिस में बने होंगे मेल गैमेट, ठीक है, वो टेस्टिस के थ्रू मेल गैमेट कहाँ आए, वास डिफरेंस के पास आए। वास डिफरेंस जैसे मेल के अंदर होता है, तो वास डिफरेंस से वो होते हुए कहाँ चले गए, वास डिफरेंस से दोनों साइड से आए और वो वास डिफरेंस से होते हुए इस झोल के अंदर आ गए। अब ये झोल क्या है, इस झोल में देखो क्या क्या है, इस झोल में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ तो ये वाली जो सेंटर में आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये रीज़न जो मैं थोड़ा सा एक काम करती हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इससे क्या होगा ना, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको हम हाईलाइट करते हैं अलग अलग तरीके से। तो देखो ये जो सेंट्रल रीज़न आप देख रहे हो ना, ये वाला वास डिफरेंस हो गई थी, फिर ये आया, ये येल्लो वाला, ये येलो वाला रीज़न क्या है, इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या करेगा, यहाँ से आने वाले जितने भी मेल गैमेट होंगे उनको स्टोर कर लेगा और उनको क्या देगा, उनको देगा न्यूट्रिशन, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, उनको देगा न्यूट्रिशन, स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा। उसके बाद आप ध्यान से अगर देखोगे तो साइड में आपको और भी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ये वाले ट्यूब्यूल, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल, मैंने कहा था ना कि लॉन्ग ट्यूब्यूल भी होते हैं इनके पास। लॉन्ग ट्यूब्यूल में यूरिकोज ग्लैंड थी मेल के अंदर और वहाँ पे क्या होता था, एक्सक्रीशन का काम होता था, अभी थोड़ी देर पहले बता के हटी थी। तो जो ये लॉन्ग ट्यूब्यूल है इनमें एक तो यूरिकोज ग्लैंड भी प्रेजेंट है और यहाँ पे इन लॉन्ग ट्यूब्यूल में और क्या काम होता है, इन लॉन्ग ट्यूब्यूल का इनका काम होता है, जैसे मान लो ये स्पर्म थे, है ना, ये स्पर्म है, ये स्पर्म कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सेमिनल वेसिकल में स्टोर हो गए। अब सेमिनल वेसिकल में जब ये स्टोर हुए तो इनके चारों तरफ एक लेयर सिक्रीट हुई, वो सिक्रीट किसने, लेयर किसने सिक्रीट की, वो सिक्रीट की इनर लेयर सिक्रीटेड बाय लॉन्ग ट्यूब्यूल। याद रखना मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, मैं थोड़ा सा आपको ना अलग से समझा देती हूँ कि मेल में हो क्या रहा है। देखो मेल में हुआ ये कि टेस्टीज में बने स्पर्म, यहाँ पे समझो पहले, टेस्टीज में बने स्पर्म, ये स्पर्म वास डिफरेंस से होते हुए कहाँ पहुँच गए, वास
डिफरेंस से होते हुए कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए सेमिनल वेसिकल में। अब सेमिनल वेसिकल ने कहा ठीक है मैं रख लेता हूँ, मैं इनको क्या दे दूंगा, मैं इनको न्यूट्रिशन दे दूंगा। तो सेमिनल वेसिकल का काम तो क्या हुआ, इसको स्टोर करके रखने का काम हुआ किनको, स्पर्म को, और दूसरा काम क्या हुआ, इसको न्यूट्रिशन देने का हुआ। तो ये काम इसने किए। अब सेमिनल वेसिकल बोल रहा है कि इन स्पर्म को प्रोटेक्शन तो दो, इन स्पर्म को प्रोटेक्शन तो दो। तो ये क्या थे, ये स्पर्म है, मान लो ये सारे स्पर्म पड़े हुए हैं। तो इसने तो इसको सेव तो कर लिया, न्यूट्रिशन तो दे दिया, लेकिन ये बोल रहा है कि इनको प्रोटेक्ट करो भाई। प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करो, इनके चारों तरफ एक लेयर बना दो। तो वो चारों तरफ पहली लेयर बनी, जिसके अंदर अब इस बैग में ये पैक हो गए। ये जो फर्स्ट लेयर बनी, इसको हम बोलते हैं इनर लेयर। किसकी इनर लेयर बताती हूँ, इनर लेयर बन गई, ठीक है। इनर लेयर बनाई किसने, इनर लेयर बनाई लॉन्ग टिब्यूल ने, जो कहाँ पे प्रेजेंट थे, जो सेमिनल वेसिकल के अराउंड प्रेजेंट थे, लॉन्ग टिब्यूल, ठीक है। अब क्या हुआ, अब फिर से ये थोड़े से आगे गए, आगे कहाँ पे चले गए, ये गए आपके पास जो स्पर्म थे वो लॉन्ग टिब्यूल में थे, उसके बाद ये गए आगे इजैकुलेटरी डक्ट में, यहाँ पे गए, इस स्ट्रक्चर में गए जो मैं पिंक से डिनोट कर रही हूँ, इस इजैकुलेटरी डक्ट में गए। इस इजैकुलेटरी डक्ट ने क्या काम किया, इस इजैकुलेटरी डक्ट ने इनको और प्रोटेक्ट कर दिया। इस इजैकुलेटरी डक्ट ने इसके चारों तरफ एक और लेयर बना दी, इसके चारों तरफ एक और लेयर बना दी, और इसको बोला गया मिडल लेयर, मिडल लेयर। और इस मिडल लेयर को क्या किया, क्योंकि प्रोटेक्ट कर रहे हो ना आप, स्पर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो मिडल लेयर बोला गया। इस मिडल लेयर को किसने सिक्रीट किया, इस मिडल लेयर को सिक्रीट किया बेसिकली इजैकुलेटरी डक्ट ने, इजैकुलेटरी डक्ट ने, ठीक है। फिर आपके पास एक और ग्लैंड प्रेजेंट थी, वो ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट थी, वो ग्लैंड थोड़ी सी यूनिक थी स्ट्रक्चर में, और वो प्रेजेंट थी आपके पास जो टॉप है, किसका टॉप है, जो आपकी इनका टॉप है, किसका, सेमिनल ग्लैंड के ऊपर, सेमिनल वेसिकल के ऊपर ये जो दिख रही है ना, ये वाली ग्लैंड, ये ग्लैंड प्रेजेंट थी। इस ग्लैंड का नाम था फैलिक ग्लैंड, इस ग्लैंड का नाम था फैलिक ग्लैंड। ये फैलिक ग्लैंड थी तो ऊपर, लेकिन नीचे सेमिनल वेसिकल था, लेकिन उसके पीछे से निकल के इसकी ट्यूब पहुंच गई नीचे, इसकी ट्यूब पहुंच गई नीचे की तरफ। और जब फैलिक ग्लैंड की जो ट्यूब थी वो नीचे की तरफ आ रही थी, तो उसने कहा ठीक है जाते जाते मैं भी एक क्या करती हूँ, इसके अराउंड एक सिक्रीट कर देती हूँ लेयर, जिसको हम बोलते हैं आउटर लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर। इस आउटर लेयर को किसने सिक्रीट किया, सिक्रीट बाय फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड। तो मैम ये आउटर लेयर, ये मिडल लेयर, ये लॉन्ग इनर लेयर किसकी हैं। अब देखो स्पर्म जो है वो पैक हो गए हैं किसके अंदर, एक बैग के अंदर। इस पूरे बैग को जिसके तीन लेयर हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्मैटोफोर, स्पर्मैटोफोर। अब ये स्पर्मैटोफोर पैकेट की फॉर्म में मेल जो होगा वो फीमेल की बॉडी में छोड़ देगा ड्यूरिंग कपलेशन। जब वो अपने फीमेल पार्टनर के साथ कपलेशन करेगा, तो उस टाइम पर ये पैकेट जो होंगे स्पर्मैटोफोर के, ये कहाँ छोड़ दिए जाएंगे, ये फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ दिए जाएंगे, फीमेल बॉडी के अंदर ये स्पर्मैटोफोर। अब फीमेल बॉडी इनको कहाँ प्रोटेक्ट कर लेगी, फीमेल बॉडी इनको रख लेगी एक और बैग में जो उसके पास है, और उस बैग का नाम होता है स्पर्मैथिके। तो जो स्पर्मैटोफोर हैं, ये स्पर्मैटोफोर जो हैं ये होते हैं मेल के अंदर, स्पर्मैटोफोर जो होते हैं ये होते हैं मेल के अंदर, मेल के अंदर। और जो स्पर्मैथिके होती हैं ये होती हैं फीमेल के अंदर, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। तो ये समझ में आ गया, यही चीज़ मैंने लिखी है कि टेस्टिस में बने स्पर्म वो वास डिफरेंस से होते हुए आगे आए, सेमिनल वेसिकल ने उनको क्या किया, नरिशमेंट दिया। उसके बाद लॉन्ग टिब्यूल जो थे उन्होंने सबसे पहले स्पर्मैटोफोर की अंदर की लेयर बनाई। तीन ही लेयर आपको याद रखनी है, इनर लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर। इनर लेयर को कौन बना रहा है, इनर लेयर बना रहे हैं लॉन्ग टिब्यूल। मिडल लेयर कौन बना रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट। आउटर लेयर कौन बना रही है, फैलिक ग्लैंड। तो ये तीनों मिलकर के एक स्पर्मैटोफोर बना देते हैं, एक बैग बना देते हैं। तो ये बन गया तुम्हारा बैग। अब यहाँ पे जो ये मैंने कहा सेमिनल वेसिकल होते हैं, लॉन्ग टिब्यूल होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टिब्यूल भी होते हैं, शॉर्ट टिब्यूल भी बेसिकली होते हैं, जो क्या करते हैं, शॉर्ट टिब्यूल
इन दोनों को मिला करके, लॉन्ग टिब्यूल और शॉर्ट टिब्यूल को मिला करके एक ग्लैंड बनती है। उस ग्लैंड का नाम होता है मशरूम ग्लैंड। इसी ग्लैंड को हम यूट्रिकर ग्लैंड भी बोलते हैं। मशरूम ग्लैंड में दो पार्ट आते हैं, एक लॉन्ग टिब्यूल और एक शॉर्ट टिब्यूल। शॉर्ट टिब्यूल जो है वो मेजर पार्ट क्या करता है, मशरूम ग्लैंड का मेजर पार्ट बनाता है। और जो लॉन्ग टिब्यूल होता है वो क्या करता है, इनर लेयर सिक्रीट करता है स्पर्मेटोफोर की। लॉन्ग टिब्यूल और शॉर्ट टिब्यूल से क्या बनते हैं, मशरूम ग्लैंड बनती है। ठीक, उसके अलावा आपके पास फैलिक ग्लैंड को एक नाम और देते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी हम इसको बोलते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपस में स्पर्म को जोड़ दिया जाता है और स्पर्मेटोफोर बनाए जाते हैं। ये स्पर्मेटोफोर के पैकेट कपलेशन के टाइम में फीमेल बॉडी में रिलीज कर दिए जाते हैं और फीमेल बॉडी इनको स्पर्मेथिके में संभाल के रख लेती है। तो अब क्या हुआ, इसके अलावा और क्या क्या होता है इसके पास, एक होता है स्यूडोपेनिस या टिटिलेटर भी जिसको हम बोल देते हैं। स्यूडोपेनिस बोल दो, टिटिलेटर बोल दो। ये क्या करता है मेल के अंदर, स्यूडोपेनिस और टिटिलेटर ये बेसिकली कपलेशन के टाइम पे हेल्पफुल होता है। मेल गोनोपोर वो ओपनिंग होती है जहाँ से स्पर्म जो है स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में कहाँ होते हैं, बॉडी से बाहर आते हैं, स्पर्मेटोफोर आउट होते हैं यहाँ से, इस ओपनिंग से, मेल गोनोफोर से। ठीक है, उसके अलावा एनल स्टाइल होती हैं। एनल स्टाइल भी मैंने कहा था कपलेशन में हेल्प करते हैं। एनल सरसाई जो होते हैं ये सिर्फ मेल में होते हैं, एनल सरसाई जो होते हैं मेल फीमेल दोनों में होते हैं और ये सेंसरी होते हैं। उसके अलावा तीन एसिमेट्रिकल काइटेनियस स्ट्रक्चर भी होती हैं इसके पास, कौन कौन सी, लेफ्ट फैलोमियर, राइट फैलोमियर और वेंट्रल फैलोमियर। ये भी होल्डिंग का काम करती हैं फीमेल पार्टनर को पकड़ने के लिए। ठीक है, लेफ्ट फैलोमियर, राइट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर और थ्री एसिमेट्रिकल काइटेनियस स्ट्रक्चर होती है। तो ये था तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब थोड़ा फीमेल भी पढ़ लेते हैं। फीमेल पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा हमारे पास, अच्छा ये रहा मेल का, देख लो पहले यहाँ पे मेल का एनसीईआरटी डायग्राम देखो। ये है तुम्हारे पास टेस्टिस, है ना, टेस्टिस से स्पर्म बने। वास डिफरेंस के थ्रू क्या हुई, ये रही तुम्हारी वास डिफरेंस। इस वास डिफरेंस के थ्रू, ये वास डिफरेंस के थ्रू मेल गैमेट्स जो हैं वो आए और वो सेंटर में आकर के कलेक्ट हो गए। सेंटर में क्या था तुम्हारे पास, सेंटर में है सेमिनल वेसिकल। इसके अलावा यहाँ साइड में क्या है, लॉन्ग टिब्यूल्स रहे और स्मॉल टिब्यूल हैं। स्मॉल टिब्यूल मेजर पार्ट बनाते हैं मशरूम ग्लैंड का। लॉन्ग टिब्यूल स्पर्मेटोफोर की इनर लेयर को सिक्रीट करते हैं और इजैकुलेटरी डक्ट मिडल लेयर को सिक्रीट करती है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हो सबसे फैलिक ग्लैंड, ये क्या करती है, पीछे है लेकिन अपना जो स्ट्रक्चर है निकाल के बाहर की तरफ, ये क्या बनाती है, इनर आउटर लेयर बनाती है स्पर्मेटोफोर की, आउटर लेयर, है ना। तो ये तीनों से लेयर बन गई। उसके अलावा ये स्यूडोपेनिस टिटिलेटर क्या है, क्या करते हैं, कपलेशन में हेल्प करते हैं। तीन एसिमेट्रिकल काइटेनियस स्ट्रक्चर है, लेफ्ट फैलोमियर और वेंट्रल फैलोमियर और राइट फैलोमियर है। कॉडल स्टाइल बोल दो, एनल स्टाइल बोल दो, एनल वर्ड के लिए ही कॉडल वर्ड भी यूज़ कर लेते हो, तो एनल सरसाई या कॉडल सरसाई भी आप इसको बोल सकते हो। ये था पूरा आपके पास मेल की स्ट्रक्चर। फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में क्या हुआ, फीमेल में ओवरीज हैं, ये रही फीमेल में ओवरीज हैं। ओवरीज की अगर हम बात करें तो सेगमेंट क्या रहेगा इसका, सेकेंड टू सिक्स्थ सेगमेंट तक क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं। ओवरी में क्या बनते हैं, ओवरी के अंदर ओवेरियोल्स होते हैं, ठीक है। और इस ओवेरियोल्स के अंदर क्या बनते हैं, इनके अंदर एक ओवरी के अंदर करीबन आपको 8 ओवेरियोल्स मिल जाते हैं, तो टोटल दोनों में 16 ओवेरियोल्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज ये ओवरी थी तो इसके अंदर ऐसे पड़े होते हैं तुम्हारे ओवेरियोल्स, और इन ओवेरियोल्स का नंबर कितना होता है, 8, और एक में 8 है तो दो में 16 हो जाएगा। ये बनाती क्या है, ये ओवा बनाती हैं। अब ये ओवा आपके पास, ये एग चैम्बर है बेसिकली, है ना। तो यहाँ से ये ओवा निकल के ये बनाया, ये ओवेरियोल्स हैं और ये ओवा निकल के गया आगे यहाँ पे। ये ओवा अब इस एक कॉमन ओविडक्ट में आ गया है, इसको आप बोलते हो कॉमन ओविडक्ट। जैसे फीमेल में, नॉर्मल ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, एक ओवरी इधर होती है, एक ओवरी इधर होती है, दोनों से ओविडक्ट आती है और बीच में फिर वो यूट्रस में ओपन हो जाती है। कॉकरोच में ऐसा नहीं होता, कॉकरोच में एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये है और दोनों मिलकर के एक सिंगल ओविडक्ट बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन ओविडक्ट, ठीक है। अब इस कॉमन ओविडक्ट से ओवा आगे की तरफ आ रहे थे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये रहा इसका जेनाइटल चैम्बर, जो हमने जेनाइटल पाउच बनाया था उसके दो पार्ट, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये रहा इंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पोर्शन में देखोगे तो कोलेट्रल ग्लैंड ओपन हो रही है, ये क्या है, दिस इज योर कोलेट्रल ग्लैंड, राइट कोलेट्रल ग्लैंड
और लेफ्ट कोलिट्रल ग्लैंड, ये स्ट्रक्चर दिख रही है जो है ना, ये राइट और लेफ्ट कोलिट्रल ग्लैंड ओपन हो रही है यहाँ पे। उसके अलावा ये जो कॉमन ओविडक्ट है ये भी यहीं पे ओपन हो रही है देखो। और यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही है ये वाली, ये क्या है, ये स्पर्मैथिके है जहाँ पे स्पर्म स्टोर थे, तो ये भी ओपन हो रही है। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है तुम्हें, दिस इज़ योर ओविपोजिटर। ओविपोजिटर क्या है, बेसिकली काइटेनियस स्ट्रक्चर होती है, गोनेपोफाइसिस भी हम इसको बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट में ओपन होते हैं और फाइनली यहाँ से ओपन हो जाता है उथिकल चैम्बर, जहाँ से उथिका की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं आपके एग्स। अब मैम नहीं समझ आया, आप समझ आएगा, अब देखो। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ से समझाती हूँ, ये एक काम करते हैं, इसको हम खुद से बनाते हैं, इससे थोड़ा ना आपको आइडिया बनेगा क्या हो रहा है। देखो हो क्या रहा था, बेसिकली ऐसे समझो, समझो ऐसे कि ये था एक, इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि कुछ ऐसे है स्ट्रक्चर है, है ना, एक ओवरी ये है और एक ओवरी ये है। इस ओवरी के अंदर आपके प्रेजेंट हैं ओवेरियोल्स, कितने कितने प्रेजेंट हैं, आठ के करीब, मैं एक में बना देती हूँ कुछ नंबर, आप आठ मान के चल लो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास तो इसलिए हम इस तरीके से बना देती हूँ, मान लो आठ आठ हैं सबके अंदर, है ना, कुछ इधर हैं और कुछ इधर हैं, इनको आप क्या बोलोगे, इनको हम बोलेंगे ओवेरियोल। सुनते जाओ, सब मेंशन वहाँ पे है, ओवेरियोल के अंदर क्या बन गए, एग बन गए। अब जब एग बने तो यहाँ से ये एग, ये कहाँ ओपन हो रहा है, ये कॉमन ओविडक्ट आई, इस तरीके से ये बनी तुम्हारी कॉमन ओविडक्ट, दिस इज योर कॉमन ओविडक्ट। अब यहाँ से आपके पास इसकी ओपनिंग होनी है, ठीक है, इसकी ओपनिंग होनी है, कहाँ पे ओपनिंग होनी है, एक पाउच के अंदर ओपनिंग होनी है, थोड़ा बड़ा बना रही हूँ मैं ये पाउच, इस पाउच के अंदर ओपनिंग होनी है। और इस पाउच की कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, एक तो ये वाला पार्ट है जिसको मैं एंटीरियर बोल रही हूँ, एक ये वाला पार्ट है पोस्टीरियर। ये है जेनाइटल पाउच, जो किससे बना था, सेवेंथ एट्थ नाइन्थ सेगमेंट से बना था वेंट्रल साइड पे, और सेवन्थ सेगमेंट कैसा हो गया था, बोट शेप हो गया था, डोर्सल पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं था, ये था फीमेल का जेनाइटल पाउच, एक एंटीरियर पार्ट था और एक पोस्टीरियर। मैंने कहा था एंटीरियर में तीन ओपनिंग होती हैं, अब एक ओपनिंग तो तुम्हें दिख रही है साफ साफ, ये ओपनिंग, ये वाली किसकी, कॉमन ओविडक्ट के, इसकी ओपनिंग को हम बोल देते हैं, ये कहाँ खुल रहा है, ये जाकर के, ये रहा ना, ये देखो ये जाकर के कहाँ खुल रहा है, इसको हम बोलते हैं मेल, फीमेल गोनोफोर, फीमेल गोनो फोर। यहाँ से जो मैच्योर ओवा आएंगे वो आकर के कहाँ रिलीज होंगे, वो मैच्योर ओवा, मैच्योर नहीं, वो हाँ मैच्योर ही बोलोगे बेसिकली, फर्टिलाइज्ड मत बोल देना, मैच्योर ओवा जो होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब इनको चाहिए स्पर्म, स्पर्म जो फीमेल है वो ऑलरेडी चलाक है, उसने क्या रखा हुआ है, उसने अपने पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रखी हुई है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको आप बोलते हो स्पर्मैथिके, इसको हम बोलते हैं स्पर्मैथिके। और जब ये स्पर्मैथिके है, इसके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है स्पर्म, स्पर्म किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्पर्मैटोफॉर्म की प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, पैकेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब वो पैकेट की फॉर्म में जो स्पर्म है वो आए, और वो पैकेट जो था वो डिसॉल्व हो गया, और वो आकर के कहाँ पर आए, इसके साथ क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये स्पर्म जो थे इन्होंने आकर के फर्टिलाइज किया, नाउ दे आर व्हाट, दे आर मैच्योर्ड या फर्टिलाइज्ड ओवा, अब इनको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओवा, ठीक है। अब इन फर्टिलाइज्ड ओवा को प्रोटेक्ट करना था, तो जब फर्टिलाइज्ड ओवा को प्रोटेक्ट करना पड़ गया तो उस टाइम पर इनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक काइंड ऑफ ग्लैंड्स आई, जो दोनों अलग अलग जगह पे प्रेजेंट थी, एक राइट साइड में प्रेजेंट थी और एक प्रेजेंट थी आपके पास लेफ्ट साइड में, इसको हम बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड, जो दोनों साइड से आ रही है, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ योर कोलेटरल ग्लैंड, ब्रांचिंग टाइप की लग रही है, इसको हम बोलते हैं कोलेटरल ग्लैंड। ये भी कहाँ ओपन होगी, ये भी ओपन होगी तुम्हारे एंटीरियर पार्ट में, और ये क्या करेगी, इस जो आपके पास फर्टिलाइज्ड एग थे उनके चारों तरफ एक बैग बना देगी, इस तरीके से, है ना। तो इसको हम बैग को हम बोलते हैं उथिका, इस बैग को हम बोलते हैं उथिका, ठीक।
अब इस उथिका को मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करके दिखाती हूँ आपको, हुआ क्या इस उथिका के अंदर। सपोज एक उथिका थी, तो इस उथिका में बेसिकली दो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, दो इस तरीके से डिवाइडेशन होता है, जिसमें 8 फर्टिलाइज्ड एग ऊपर होंगे, आठ ऊपर होंगे और 8 नीचे, करीबन इसमें क्या होते हैं टोटल 12 से 16 क्या होते हैं फर्टिलाइज्ड एग होंगे, फर्टिलाइज्ड एग। और इस उथिका के अंदर ही वो क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। इस उथिका को सिक्रेट किसने किया है, इस ग्लैंड ने। इस ग्लैंड का नाम क्या है, कोलेटरल ग्लैंड, कोलेटरल ग्लैंड। और इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है, इसकी ओपनिंग हुई है एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर किसके, जेनाइटल पाउच के। तो दिस इज़ योर जेनाइटल पाउच, जिसके एंटीरियर पार्ट में क्या हुई है, ओपनिंग हुई है, जेनाइटल पाउच, ठीक है। और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर को अगर हम देखें, तो पोस्टीरियर रीजन को आप एक नाम और देते हो, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलम। इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर वाले को हम बोलते हैं वेस्टिबुलम, पोस्टीरियर है जो। और जो एंटीरियर है ये वाला, इसको हम बोल देते हैं जेनाइटल चैम्बर। है कुछ नहीं, एंटीरियर को बोल दिया जेनाइटल चैम्बर, पोस्टीरियर को बोल दिया वेस्टिब्यूलम, और दोनों को मिलाकर के बोल दिया जेनाइटल पाउच, ठीक है। जो वेस्टिब्यूलम है आपके पास, वेस्टिब्यूलम में आपको काइटेनियस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी इस तरीके से। अगर ध्यान से देखोगे ना, तो कुछ इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगी, देखो ये वाली, ऐसे। ये काइटेनियस स्ट्रक्चर जो होती है, इसको आप बोलते हो गोनेपोफाइसिस, या फेलोमियर भी हम इसको बोल देते हैं, गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 3 ओपनिंग एंटीरियर पाउच में दिखा रखी हैं। कॉमन ओविडक्ट है, कॉमन ओविडक्ट को ही क्या बोल दिया है, वेजाइना बोल दिया है। एंड दीज आर व्हाट, दीज आर ओवरी, पेयर में होंगी, कहाँ से कहाँ होंगी, 2nd to 6th सेगमेंट पे होगी, सेगमेंट। एंड ये क्या है, दीज आर द ओवेरियोल, जो क्या बनाएंगे, ओवेरियोल जो बनाएंगे, ओवा, ओवेरियोल, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये सारी स्ट्रक्चर यहाँ से भी समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, इसको पढ़ते हैं, देखो डोर्सल व्यू दिखा रखा है। फीमेल ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, पढ़ लिया, ओविडक्ट से बनी होती है, वेजाइना होता है, जेनाइटल चैम्बर होते हैं, स्पर्मैथिके होते हैं, कोलेट्रल ग्लैंड होते हैं, फीमेल गोनेपोफाइसिस, या हम इसको ओवी पॉजिटर भी बोल देते हैं, वैसे कहीं मेंशन नहीं था, खैर हम लिख देते हैं ओवी पॉजिटर, ठीक है, ये भी होता है। अब होगा क्या इसमें, ओवरीज ऑफ कॉकरोच आर लोकेटेड इन द एबडोमिनल सेगमेंट, एबडोमिन के सेगमेंट में होगी, 2 to 6 में, ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ 8 ओवेरियोल्स, ठीक है। 2 ओविडक्ट फ्रॉम ईच साइड ओपन इनटू अ कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना विच ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर क्या है, एंटीरियर पार्ट ऑफ जेनाइटल पाउच, ठीक। ए पेयर ऑफ कोलेटरल ग्लैंड्स ऑल्सो ओपन इन जेनाइटल चैम्बर, ये भी हमने पढ़ लिया। जेनाइटल पाउच और जिन एट्रियम इज डिविजिबल इनटू जेनाइटल चैम्बर और उथिकल चैम्बर, ठीक है। जेनाइटल चैम्बर इन फ्रंट एंड उथिकल चैम्बर बिहाइंड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये एंटीरियर चैम्बर है ना, तो एक चैम्बर है, जैसे सपोज ये चैम्बर है, इसमें एक एंटीरियर पार्ट है, एक पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट को मैंने बोला जेनाइटल चैम्बर, पोस्टीरियर पार्ट को मैंने बोला वेस्टिब्यूलम, पूरे को मिलाकर के मैंने बोला जेनाइटल पाउच। अब इस एंटीरियर चैम्बर में, जो जेनाइटल चैम्बर है, इसमें भी आगे वाले पार्ट को आप कुछ और बोलोगे, और आगे वाले पार्ट को हम बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर, और जो इसका पीछे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं उथिकल चैम्बर। वहाँ पे कौन स्टोर हो रही है, उथिका स्टोर हो रही है, ठीक है। फीमेल जेनाइटेलिया कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर ऑफ काइटेनियस प्रोसेस हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ उथिकल चैम्बर इनटू इट्स कैविटी, ये याद नहीं रखना, आप सिर्फ याद रखोगे कि 3 पेयर क्या होते हैं, गोनेपोफाइसिस होते हैं, ठीक। उथिका ऑफ कॉकरोच कंटेन 16 फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि एक ओवेरियोल से एक एग बना, 8 ओवेरियोल से 8 एग बने, 16, दो में 16 थी ना, तो 16 ओवेरियोल से 16 क्या बने हैं, 16 बने हैं एग। उथिका ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म्ड ऑफ अ प्रोटीन सिक्रेटेड बाय कोलेट्रल ग्लैंड, तो उथिका को कौन बनाता है, कोलेट्रल ग्लैंड्स बनाती हैं। चलिए एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, अब बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना, देखो ठीक है।
Male reproductive system consists of a pair of testes, one lying on each lateral side in the fourth, ये देखो ध्यान से, fourth और sixth abdominal segment में, fourth to sixth abdominal segment में present है. From each testes arises a thin vas difference आती है, which opens into an ejaculatory duct. वो ejaculatory duct में open होगी through seminal vesicle. इसका मतलब पहले वो seminal vesicle में जाएगी, फिर वो ejaculatory duct में जाएगी. The ejaculatory duct opens into male gonophore situated ventral to anus. Anus से नीचे present होता है male gonophore. अगर याद हो तो genital pouch male में कैसे बनता है, genital pouch जो होता है वो male में ventral side के 9th और 10th sterna से बनता है, और ऊपर वाला क्या होता है, 9th turga इन्वॉल्व होता है. ठीक, द ejaculatory duct हो गया. एक कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th टू 7th abdominal segment. ये याद रख लेना, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मशरूम ग्लैंड की पोजिशन क्या होती है, 6th टू 7th abdominal segment. ठीक है, 6th टू 7th abdominal segment. कहाँ पे थे हम, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th टू 7th एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शंस एज एन असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. ये असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करती है. द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर. पढ़ा दिया, फेलोमियर क्या है, काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है सराउंडिंग द मेल गोनोफोर. द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर. उनको स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, ये बता दिया था मैंने. एंड विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कपलेशन. स्पर्मेटोफोर डिस्चार्ज हो जाते हैं कपलेशन के टाइम पे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज ओवरीज लेइंग लेटरली इन द 2nd टू 6th एब्डोमिनल सेगमेंट. ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स भी बोल सकते हो. अच्छा, अगर आ ही गया, एनसीईआरटी में मेंशन हो ही गया है, तो ओवेरियोल के साथ साथ आप इसको और क्या लिख सकते हो, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स लिख लो. कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे आज सच, ओवेरियोल को और क्या बोलते हैं, ओवेरियन टिब्यूल्स. ठीक है, ओवेरियन टिब्यूल्स. उसके बाद देखो, टिब्यूल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा. ओवा रख रही है वो. ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट. सेंटर में आकर के कॉमन हो जाती है, जिसको हम वेजाइना भी बोलते हैं. विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चैम्बर. एंटीरियर पोर्शन में ओपन होगी, जिसको जेनाइटल चैम्बर बोलते हो. स्पर्मैथिके भी प्रेजेंट होती है इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर, तो वो भी ओपन होगी. अब एक क्वेश्चन और आ गया कि जो ये स्पर्मैथिके थी, ये फीमेल की बॉडी में कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 6th सेगमेंट पे. 6th सेगमेंट ऐसे पढ़ा जाता है बच्चों, साथ साथ आप नोट डाउन भी करते चलोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो 6th सेगमेंट में ये प्रेजेंट होती है. उसके बाद क्या हो गया, विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर. जो किस में ओपन होगा, वो इस जेनाइटल चैम्बर के अंदर ओपन होगा. अब ये समझ में आ गया सारा कि ए पेयर ऑफ स्पर्मैथिके इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर. तो ये स्पर्मैथिका जो 6th सेगमेंट में प्रेजेंट थी, ये जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो गई है. स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर. अब की बार ये जो थे, ये स्पर्मेटोफोर सारे ओपन हो गया और जो अंदर के स्पर्म थे वो बाहर आ गए हैं. अब वो स्पर्म क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे एग को. एंड देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन उथिका. उथिका में क्या हो गई है, अब वो एनकेस हो गई है, बंद हो गई है. और उथिका क्या होती है, उथिका बेसिकली डार्क कलर की होती है. चलो अब इसके बारे में बात करते हैं. मान लो ये क्या थी, ये उथिका है, तो जो ये उथिका होगी ये क्या होगी, डार्क ब्राउनिश कलर की होगी. डार्क ब्राउनिश कलर. एक बार ना इससे क्वेश्चन पूछा था कि इसका साइज क्या होता है, तो याद रखना कैप्सूल है और इसका साइज क्या होता है, 8 मिलीमीटर लॉन्ग होती है. इसका कैप्सूल का साइज होता है 8 मिलीमीटर लॉन्ग होती है. ये रहा ये उथिका, देख रहे हो ये वाला ब्लैक कलर का, ब्राउनिश कलर का. इसको आप क्या बोल देते हो, इसको आप बोल देते हो उथिका. और एक फीमेल जो होती है वो एक बार में कितनी उथिका रिलीज करती है, ऐसी ऐसी वो 9 से 10 उथिका बनाती है. 9 से 10 उथिका. और हर एक उथिका में कितने कॉकरोच होते हैं, कितने डेवलपिंग एग्स होते हैं, एक के अंदर होते हैं कम से कम 14 से 16 एग. तो मतलब आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 उथिका में 9 × 14 कर लो या 10 × 16 कर लो, करीबन एक बार के टाइम पे ये 160 कॉकरोचेस जो होते हैं उनके लिए क्या करती है, उनका डेवलपमेंट करवाती है.
ठीक है, तो ये था तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब डेवलपमेंट कैसे होगा पैरी प्लैनेटा अमेरिकाना का, क्योंकि हम तो यही पढ़ रहे थे। अब मान लो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इनमें जो होती है मेटामॉर्फोसिस होती है। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इनमें होती है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? चेंज होता है, मतलब जो आपका एग होगा वो जब लार्वा लगा लो या फिर निम्फल स्टेज लगा लो, तो उससे क्या होगा, अडल्ट से वो टोटली अलग होगा। निम्फल स्टेज लगा लो या अडल्ट हो, अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो कुछ स्टेजेस आती हैं लाइफ में, पहले एग था, फिर लार्वा बना या निम्फल स्टेज बनी, फिर अडल्ट बना, तब जाकर के अडल्ट कॉकरोच आया। लेकिन जो ये स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस यहाँ पर अडल्ट से डिफरेंट होती हैं। तो जब ये स्टेजेस डिफरेंट होती हैं तो कौन कौन से चेंज होते हैं इनके पास, वो हमने पढ़ने होते हैं। इस तरीके की मॉर्फोसिस को हम बोलते हैं पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट। पोरो मेटाबोलस तब बोला जाता है जब डेवलपमेंट में बीच में कौन सी स्टेज आती है, निम्फल स्टेज आती है, इसको हम बोलते हैं पोरो मेटाबोलस। काफ़ी तरह की होती है एक्चुअली, है ना, हैमी मेटाबोलस होती है, होलो मेटाबोलस होती है, और इस तरीके से होती है, तो पोरो मेटाबोलस भी होती है। इसमें क्या होता है कि निम्फल स्टेज जो आ रही है ना, वो अडल्ट की तरह दिखाई देते हैं, दिखाई अडल्ट की तरह देते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। मतलब मान लो फर्स्ट निम्फल स्टेज, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से, तो ये अडल्ट की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन ये अडल्ट तक पहुंचते पहुंचते करीबन 13 टाइम, मान लो यहाँ पे अडल्ट आया, तो फर्स्ट से लेके अडल्ट तक जो स्टेज बनी होगी उसमें कितने निम्फल स्टेज आई होंगी बीच में, कितने टाइम मोल्टिंग हुई होगी, कितने टाइम इसने खुद को चेंज किया होगा, 13 टाइम। तो ये याद रखना, 13 टाइम मोल्टिंग हुई होगी तब जाकर के आपका इस निम्फल स्टेजेस से अडल्ट बना होगा। और जब 13th यानी जो लास्ट वाली होती है ना, 12th जो हम बोल सकते हैं कि 13th बेसिकली हमारे पास क्या होती है, स्टेज होती है, 13th स्टेज होती है जो निम्फल स्टेज, वहाँ से एक हॉर्मोन आता है जिसको हम बोलते हैं इक्डियोसोम हॉर्मोन, इक्डियोसोम हॉर्मोन। इस हॉर्मोन की वजह से ये वाली जो निम्फल स्टेज होती है, ये वाला जो कॉकरोच होता है इस स्टेज वाला, वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी वजह से वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मोल्टिंग नंबर कितना रहता है, वो 13 रहता है। मोल्टिंग कुछ नहीं होता, चेंज होता है बेसिकली, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते जाना, थोड़ा थोड़ा डेवलप होते जाना। तो जो लास्ट निम्फल स्टेज आई होगी, सपोज करते हैं यहाँ पे कोई लास्ट निम्फल स्टेज रही होगी, तो ये जो लास्ट निम्फल स्टेज जिसके बाद उसको अडल्ट बनना था, तो ये जो लास्ट निम्फल स्टेज है, इस निम्फल स्टेज को हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है ये अडल्ट से, लेकिन इसके पास क्या प्रेजेंट नहीं होते, इसके पास विंग्स नहीं होते, इसके पास विंग्स नहीं होते, लेकिन विंग पैड्स होते हैं, विंग पैड्स होते हैं। सपोज़ अगर मैं बोलूँ मेरे पास ये फिंगर्स हैं, तो ये फिंगर्स इसके पास नहीं होते, लेकिन इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जहाँ से फिंगर आ सकती है, इनको हम बोलते हैं पैड। तो यहाँ पे क्या है, विंग पैड्स होते हैं। तो बाद में वो किस में डेवलप हो जाते हैं, विंग्स में डेवलप हो जाते हैं अडल्ट में, ठीक है। ओनली अडल्ट कॉकरोचेज हैव विंग्स, द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज हैज़ विंग पैड्स, उनके पास विंग पैड्स होते हैं, क्लियर। तो ये देखो, ये अडल्ट मेल है, ये अडल्ट फीमेल है, अडल्ट मेल का जो एब्डोम टिप है उसके विंग्स उससे बाहर जा रहे हैं, फीमेल में सेम है। ये निम्फ बना, ये एग कैप्सूल था, इससे फिर निम्फ बना और फिर जाकर के ये स्ट्रक्चर बनेगी। ये एक उथिका को दिखा रखा है, उथिका ब्रेक हो गई है और उसमें से किस तरीके से कॉकरोच निकल रहे हैं। ये मोल्टिंग दिखा रखी है कि कैसे ये अपना वाइट कलर को चेंज करते जा रहा है और ब्लैक में कन्वर्ट होते जा रहा है, मतलब अपना चेंज कर रहा है शेप, ठीक। तो ये था तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ पैरी प्लैनेटा अमेरिकाना। ऑलमोस्ट हमने कॉकरोच कंप्लीट कर लिया है, बस अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें जो है वो देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या प्रॉब्लम करता है कॉकरोच, ठीक। तो इसका रेफरेंस मैंने ये दे रखा है, आप जाकर के यहाँ से जितनी भी इमेजेस मैंने एक्चुअली ली हैं उन सब के गूगल के ही रेफरेंसेस हैं, तो आप वहाँ पे उनको सर्च कर सकते हो, स्लाइड वगैरह, तो मैंने रेफरेंस ऐड कर दिया है। मैनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोचेस, कॉकरोच की बहुत सारी स्पीसीज़ क्या होती हैं, वाइल्ड होती हैं, जंगली होती हैं, मतलब आपको नॉर्मल घरों वाली कोई स्पीसीज़ नहीं मिलेगी, डोमेस्टिकेटेड, एंड आर ऑफ नो नोन इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इनका कोई हमें अब तक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस समझ नहीं आया है कि ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, बल्कि
यहाँ पे ये देखा जाता है कि कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो कहाँ रहती हैं, ह्यूमन हैबिटेट के सराउंडिंग में रहती हैं। कॉकरोच फिरते रहते हैं इधर उधर, दे आर द बेसिकली पेस्ट। ये क्या होते हैं? पेस्ट होते हैं। कॉकरोच अच्छे नहीं होते बच्चों, कॉकरोच गंदे होते हैं। दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड, क्योंकि हमारे खाने को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल फूड एंड कंटामिनेट इट। और क्या करते हैं इसको? कंटामिनेट करते हैं, कंटामिनेट, कंटामिनेट इट किसके थ्रू? अपने एक्सक्रीटा, अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिलीज़ कर देते हैं, स्मेली वेस्ट मटेरियल को। उसके अलावा ये बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ भी कॉज करते हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कैसी करते हैं, तो याद रखना वायरल नहीं करते हैं, कौन सी करते हैं? बैक्टीरियल करते हैं, बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल। क्लियर? तो फाइनली योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट एंड आई होप आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। इसका जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं आपको बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, मेरा डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करके, कि आपको और क्या क्या चाहिए, तो मैं वो सब वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँगी। एंड इसका पार्ट वन और टेलीग्राम चैनल का लिंक, इन दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।